सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। आल टिलूस अर्ज किया है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनों, रमजान आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदगी में पहली बार अच्छा शेर दिया रजाक भाई। फ्री हो रहा रे लौंडे, चल सामान निकाल पूरा। ए ए हल्लू रे, राशन के पैकेट हल्लू हल्लू, ए हल्लू हल्लू, ए टिल्लू, ए लड़ो ना कर, इधर टिल्लू, इधर ला गिरेगा बात, राशन के साथ ही चलो। यार रखो इधर रखो। लाला हल्लू ला हल्लू ला, गिरेगा ना भाई, पहले देने का है अम्मा। चलो तौबा तौबा, खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अरे अब क्या करा जी मई, चार दिन पहले पूरे घर का राशन लेके आई थी मैं, तीन दिन से देख रही हूँ तुम बेचैन बेचैन घूम रहे थे, तो ये तैयारी में लगे थे बोलो। कौन सी तैयारी, कौन दे रहा, कब दे रहा, किधर दे रहा, किसको दे रहा, कैसा दे रहा, ये फिराक में लगे थे नहीं तुम। कौन सी फिराक जी, भीख की फिराक, कहे कुछ जी इतने हिरस, कौन से दुनिया के वास्ते, क्या तुम लंगड़े लूले या अंधे बहरे है क्या। अरे बोलना क्या चाह रहे थे तुम, जो भी है खुला खुला वो रफ सर, मेरे को मेरे टेंशन आप, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अब का भीख मांगने जा रहे, मंग के लाए सामान बस नहीं हो रहे तुम्हारे को, पहले मेहमान खाने को पोटली खाना बना के रख दिए तुम, अब मंग के लाए सामान कहाँ रखते, तुम्हारे अम्मा का कलेजे पे रखता हूँ। जी पागल आदमी, ज्यादा नको बोलो। देखो बेगम मैं क्या बोल रहा था, अपना राशन तो क्या है चार दिन पहले आ गया, मगर मैं जो है सुना रमजान से पहले गरीबों को मुस्तहिक लोगों को राशन देने की नियत करा था, इसके वास्ते लाया था सब। अच्छा तो पहले बोलना था ना जी, मैं तो भी सोच रही थी कहाँ तो भी मंगके भीख मंगके आ रहे। क्या बोले, क्या भी नहीं, मैं बोल रही थी अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत दियो। अच्छा 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 अच्छा, मगर मैं तो कुछ और सुना ना, आप थक गए होगे नहीं, चलिए बैठ के बात करो, चलो चलो बैठो, समझाती हूँ। क्या समझाना है कि बोलो, हलो हलो बोलो। तो मैं ये बोल रही थी कि तुम गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का, सबका ख्याल करते, मगर जिसका करना रहता उसका नहीं करते। अरे मैं लिख दिया भाई, तुम्हारे अम्मा बाबा का नाम भी लिख दिया। इतना जल्दी समझे तो और क्या था कि। अच्छा तुम्हारी बहन को भी देना है, दे देंगे भाई, तुम्हारे खानदान में जितने गरीब है पूरों के नाम बोलो, पूरों को दे देंगे, बोलो। जी तुम्हारे बेकारी के मजाक है ना, तुम बस करो समझे। मैं ये बोल रही थी कि तुम पूरे दुनिया का ख्याल करते मगर मेरा नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे बेगम, व्हाट इज दिस, क्या जी। अरे बोलो जी बेगम, मैं क्या करूं तुम्हारे वास्ते, बोलो। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, बोलो क्या करो तुम्हारे वास्ते। तुम पहले फेंकना बंद करो ये चांद तारे वारे नक्को में को, इफ्तारी के बर्तन धोके दे दो बस। अरे ये नादू कामा नहीं होते भाई अपने से, कुछ भी तुम क्या जानदार मजबूत तकलीफदार काम है तो बोलो, बच्चा पैदा करके दिखाओ फिर। क्या बात कर रहे जी तुम, व्हाट इज दिस। हाँ मैं अच्छा सोचा था भाई ये रमजान में तुम्हारे पर एक एहसान करेंगे बल्कि। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। ए गरीब औरतों की सलमान खान। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। सुनो अब के रमजान में मैं आपको सहरी के और इफ्तारी के पकवान से आजाद करने वाला हूँ। अरे वाह वो कैसे। मैं कहा अच्छा सोच लिया सुहू पूरा, अब के रमजान में सहरी इफ्तारी पूरा बाहर करता हूँ, ले बशी दे बशी बल्कि हल लगता का खाता हूँ। पेट है गंडी पेट है हल लगता का खाने के वास्ते, वो फुगट का थोड़ा ज्यादा खाया जाता ना बेगम। फुगट का खा के पेट दो महीने का कर लिए, अब रोज हलकता का खाए तो नौ महीने का हो जाएगा पेट। एक चर्चे और थोड़ा जबान संभाल के बात करो, और तुम पेट संभाल के बात करो। रमजान का महीना इबादत का महीना है, ठुसकने का महीना नहीं। बोल रहे भी कौन, देखो
खुद तो फकत चार मिनार में खपे हुए रहते, कभी अम्मा की शॉपिंग, कभी बाबा की शॉपिंग, कभी खाला की शॉपिंग, कभी फूफू की शॉपिंग, कभी भाई की शॉपिंग, अरे खाली शॉपिंग ही करते रहते। रमजान इबादत का महीना है, शॉपिंग का करने का नहीं। फकत मेरी शॉपिंग पे नजर रखो। फकत तुम मेरे जेब के ऊपर ही नजर रखो, कब कब खर्चा करूं इनका बोल के। वो क्या की बा, मेरी शॉपिंग के बारे में तुम कुछ भी नको बोलो। रमजान के आखिरी हफ्ते में क्या क्या करना है सब प्लान करके रखी सो हूँ। अच्छा, क्या प्लानिंग करा जरा बोलो। मंडे को ना अपन शॉपिंग को जाएंगे, ट्यूसडे को अपन पिस्ता हाउस की हलीम खाएंगे, वेंसडे को अपन शाह हाउस की हलीम खाएंगे, ठीक है, और फिर थर्सडे को अपन जाके बिरयानी खाएंगे पैराडाइज की चारमीनार के पास बैठ के, फिर फ्राइडे को अपन जाएंगे मक्का मस्जिद में रोज़ा खोलने, और फिर सैटरडे को अपन जाएंगे मीनार गार्डन, फिर संडे गुदर खान को जाएंगे। वो कह को भीख मांगने। तुम्हारा पीछे खर्चा करना बोले तो तब भीख तो मांगना ही पड़ता है ना। मेरे पीछे खर्चा करने को आपको तकलीफ होती, जब मैं बात नहीं करती आपसे। सही जा रही, आदत डाल लो इसकी, रमजान में एनर्जी सेव करने आसानी होती। अरे नाराज होगा। अच्छा सुनो बेगम, देखो तो खाली में कुछ है। क्या हुआ बेगम, व्हाट इज दिस? अब मजाक भी नहीं करना तो बोल दो भाई, नहीं करना है तो बोल दो। अरे ऐसा नाराज बैठ गए भाई। ये सिचुएशन पे एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद, रूठे हैं वो इस तरह जैसा कि हम उन्हें सच में मना लेंगे। वाह 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 वाह। रूठे हैं वो इस तरह जैसा कि हम सच में उन्हें मना लेंगे, इतना वक्त कौन सा है करे, इतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे। अब बोले बोले फिर से ऐसे बेहुदा शायरिया करे, बोरे बिस्तर उठा के अपने अम्मा करने चले जाते, पहली बता रही हूं। मजाक कर रहा था भाई। नहीं मजाक भी नहीं करना तो बोल दो, मैं नहीं करता आज के बाद से मजाक आपसे। तुम्हारे को मेरी शॉपिंग से क्या मसला है? मेरे को मालूम रमजान का महीना इबादत का महीना है, मालूम मेरे को, पर खाले बाता नहीं करना, इस पे अमल भी करना। करते भाई, बराबर अमल करते हम, बोलने वालों में से नहीं है, करके दिखाने वालों में से हम। ऐसा तो मतलब आप रोजे रखते बोल रहे? अब थोड़ा सा वो मालूम ना जी, तबीयत आजकल खराब रहनी तो थोड़ा मुश्किल है। तरावी पढ़ते नहीं? अरे घुटनों में दर्द है ना जी, क्या है बाजू की मस्जिद में सवा पारी का तरावी रहती है तो थोड़ा घुटनों में दर्द है तो मुश्किल है। तो फिर इफ्तारी भी नहीं करते होगे ना? और होता रहा भाई, अब क्या इफ्तारी भी नहीं करेंगे इंसान? करते इफ्तारी, बराबर करते भाई, सवाब का काम है वो, करना पड़ता। अजी पागल आदमी, इफ्तारी करना सवाब है, पर उससे भी बड़ा सवाब है रोजा रखना। कयामत के दिन रोजा और कुरान अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करते। मालूम है, मागू मालूम है भाई, वो सब सब मालूम हमार को। क्या है, कयामत के दिन रोजा अल्लाह से बोलेगा, ऐ अल्लाह ये बंदा मेरे खातिर खाने पीने से दूर रहा, बुरे आदतों से दूर रहा, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल फरमाते। तो ये सब मालूमात रख ले के अच्छा डालते, सवाब अमल करने से मिलता, भाषण ना देने से नहीं। करते जी अमल भी करते, मैं बोला ना हम बोलने वालों में से नहीं है, करके गुजर जाने वालों में से जी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 30 के 30 रोजे रहता मैं। हाँ, और कुरान वो कौन पढ़ते, आपके चिच्चा? चिच्चा तो पढ़ते भाई, मैं भी पढ़ता हूँ। क्या है, रमजान के महीने में कम से कम एक बार तो कुरान मुकम्मल करना। अच्छा आप करते? हाँ बराबर करते भाई, हम भी करते, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन लगा भी करते। रोजे क़यामत के दिन कुरान अल्लाह ताला से बोलेंगा, ऐ अल्लाह ये शख्स मेरे खातिर रातों में जगता रहा, रातों की नमाजों में मेरी तिलावत करता रहा, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल करेंगे। ये नहीं मालूम था मेरे को। खाना मालूम फिर। रमजान का महीना मगफिरत का महीना है, रोजा इंसान को जहन्नुम की आग से बचाता। अच्छा हाँ, रमजानुल मुबारक के महीने का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करो, वेलकम करो, रमजान के मुबारक महीने में नेकियां कमाओ और गुनाहों को माफ कराओ, समझे? समझे। अरे मगरिब का टाइम हो गया,
चलो छत पे जाके चांद दिखाएंगे। चलो 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 मैं जमीन चलो। महजुबीन कौन? गाइस अगर आप लोगों को रमजान में बेहतरीन जबरदस्त कुर्ते खरीदना है तो आपके वास्ते जबरदस्त एक शोरूम है ओल्ड सिटी में, फैशन एंड फ्रीडम, सिनान गुट्टा, नियर अमीन कॉलोनी, बिसाइड फलकनुमा ब्रिज। तो वहां से जाके आप जो है सो बेहतरीन जबरदस्त ऐसे कुर्ते खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कौन है वो चीपड़ी महजुबीन? अरे मेरे को क्या मालूम जी कौन है की वो हौली। इतना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तभी से देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे देख देख के मुस्कुरा रहे, चेहरा भी खिला खिला दिख रहा तुम्हारा, तो इसके पीछे महजुबीन का हाथ है बोलो। अरे कौन महजुबीन जी? अभी तो मेरे को तुम महजुबीन चलो बोल के बोले ना। अरे हौली औरत, महजुबीन बोले तो चांद सा चेहरा, तो मैं आपको बोला चलो मेरी महजुबीन, मतलब मैं आपको बोला चलो मेरे चांद। अच्छा ऐसा बोले आप मेरे को चांद सा चेहरा बोले। अच्छी बात है, नहीं तो आपकी हथेली में आपको चांद दिखाने वाली थी। मोहतरमा, क्या आपकी तशरीफ छत पे लिख जाने की कोशिश करेंगे? अजी चलो जी सुस्त आदमी चलो। चलो 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 भाई। अरे सारे नीच हो गई, क्या फायदा छत पे जाके चांद दिख गया, खा जाना चलो। अरे रेंदू जी होटल नको, रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक। रोजा रहते ना, इफ्तार में देख लो कल। चलो अरे क्या हुआ बेगम, अरे आओ जी जल्दी आओ। आ रही हूँ आ रही आ रही हूँ। रोजा लग रहा है जरा जल्दी करके खाना आना खा लेंगे। तुम्हारे को मालूम रमजान का पहला अशरा रहमत का रहता बोलते? रहमत का कहीं रहता भाई, रहमत का कहीं रहता, मुने तुम्हारा भाई है तो का सो उसका रहता। पहला अशरा मेरा है, घर के दामाद का हक रहता अशरे पे, सुन रहे तुम? जो भी देना है तुम्हारे बाबा को बोलो, पहले मेरे को दियो बोलो। ठीक है फिर उनको बोलती हूँ, जकात का पैसा निकालते ना तो सबसे पहले दामाद का हक रहता, उनको पहला हिस्सा दियो बोलती हूँ। मैं क्या गरीब दिख रहा हूँ तुम्हारा, भिखारी दिख रहा हूँ, मुस्तहिक दिख रहा हूँ, तुम जकात का पैसा मेरे को दियो बोलने के वास्ते में? हरकत आ मगर तो सारे भिखारी जैसे ही है ना। रमजान का पहला अशरा किसको बोलते मालूम आपको? जिस चीज पे घर के दामाद का हक रहता उसको पहला अशरा बोलते। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अजी अशरा का मतलब अरबिक में 10। अच्छा रमजान का पहला अश्र रमजान के पहले 10 दिन रहमत के रहते, समझे? अच्छा ऐसा रहता। हाँ इसका मतलब मेरे को ये 10 दिन आपसे छुटकारा मिलने वाला है। जनाब आली मोहतरम, रमजान सब्र का महीना है और आप मेरे सब्र जमील का इम्तिहान नक्को लियो। पहली रोजा लग रहा मेरे को गुस्सा नक्को दिलाओ। ओके 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 भाई ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह मेरी बीवी का गुस्सा दूर हो दो। गुस्सा ठंडा हुआ? आप भी ना। अच्छा वो नमक पास करो। हेलो काली मिर्च पास करो। हेलो बस बस बस। अच्छा खजूर खजूर दियो ना। जग जरा जग दियो ना अंदर से। ये लो तुम्हारा जग। अरे पानी पानी दियो ना। नींबू नींबू दियो ना। अरे शक्कर बोलना भूल गए, शक्कर दियो ना। ऊपर वाला तो मैं वो दिमाग भी देना भूल गया, वो भी दियूं क्या?
जी मेरे को रोजा लग रहा है ना, कर लेती थी ना, दियो ना प्लीज। मैं रोजा नहीं हूँ, मेरे को रोजा नहीं लग रहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे को रोजा नहीं लगता क्या? नंदे भाई नको बना भाई, रोजा खोल लेके वो बाद में बना लेगा, अब नहीं होता भाई मेरे से उठना करना बार बार। जी क्या उजाड़ आदमी है जी तुम। आप लोगों के हस्बैंड्स भी ऐसे ही छे क्या? हाउ सारे हस्बैंड्स ऐसे ही रहते, क्या करना की। अच्छा ठहरो, लेके आ रही हूँ। बस 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 बन गया भाई, जूस बन गया, इफ्तार का टाइम हो रहा, चलो जरा दुआ वा करो, सुने का है कबूलियत का वक्त, चलो। आप दुआ पढ़ो, मैं आमीन बोलती हूँ। हस्बैंड दुआ करे और वाइफ आमीन बोले ना, तो अल्लाह ताला दुआ जल्दी कबूल करते बोल के ऐसा हमारे बाजी बोले थे। ठीक है ठीक है, चलो मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन बोलो। या अल्लाह हमारे जबान पर कलमे तैयबा हमेशा जारी रख, आमीन। या अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा, आमीन। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। या अल्लाह बीवी जैसे मुसीबत से दुनिया के हर मर्दों की हिफाजत फरमा, आमीन। या अल्लाह हमारे रोजा खोलने से पहले तुम्हारा सर खोल देती हूँ, देखो। बेगम क्या है वो गलती से जबान फिसल गई, क्या है दिल की जबान बात मुंह पे आ गई क्या? नहीं वो गलती हो गई बेगम, मैं दिल की गहराइयों से आपसे माफी चाह रहा हूँ, सॉरी। इट्स ओके, देखो कबूलियत के वक्त ऐसे मजाक नहीं करते समझे, अल्लाह ताला नाराज होते और तुम्हारे को देखे चार और लोग बिगड़ते। बराबर, ऐसे छिचोरे भरकता नको करो और सच्चे दिल से दुआ पढ़ो। तुम भी करो, तुम तुम्हारा मैं मेरा, ठीक है। आमीन। चलो अल्लाह मलका संतो विकामंत वाले का तवक्कल तो वाला इसकी करते दफा दफा। तुम्हें बोला था ना रोजा लग रहा बोल के, खाओ। अब आप खा रहे सो देख के, बस आप खा रहे ना बस। आप ऐसा खा रहे से देख के एक शेर याद आएगा, मैं अर्ज किया है। उसा, उसा। बने जो गाजर का हलवा तो उसे खीमा मत समझ लेना, वाह 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 वाह। बने जो गाजर का हलवा तो उसे खीमा मत समझ लेना, और करना इफ्तारी रह के अपनी औकात में, उसे अपने फुप्पू का वलीमा मत समझ लेना। मेरे तीन गिने तक इधर से निकल लेना, नहीं तो मेरे हाथ और तुम्हारे कल्ले समझ लेना। एक, दो, नमाज को जा रहा हूँ, नमाज को जाके आता हूँ, तक खाना निकलना समझे? बोले नहीं, मैं बोला नमाज को जाके आता हूँ, जब तक का खाना निकाल लो, ठीक है? वही बोल रहे हो। सीधा से पियो, मालूम है वहां कभी, जल्दी निकालो। ऐसे चिगट आदमी है नहीं नो, मेरे को सताए बगैर इनको सुकून नहीं मिलता, मेरे को भी नहीं मिलता वैसे। आप लोग का भी सेम है क्या? क्या है कि खैर मेरे को नमाज पढ़ने का है, फिर आके खाना निकालती हूँ, नहीं तो आते ही इनका पुकारा शुरू। आ गए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं आप, आपके चेहरे पे एक अलग नूर आ गया। हो गया बात है तुम्हारे, खाना निकाल दिए, चलो। अच्छा आप भिंडी किसके साथ लेते, रोटी के साथ लेते कि पराठा के साथ लेते? मजबूरी के साथ खाता हूँ। बिरयानी बनाई जी, तो फिर भिंडी किसके साथ खाते,
फुलके के साथ खाते के पराठे के साथ खाते कई को पूछे बिरयानी है खाओ बोल के बोलना था शहरी के वास्ते पूछ रही थी बस 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 भाई वो इफ्तारी से पेट भर गया बस एक निवाला खा के खत्म कर देता हूँ बस थोड़ा दही भी डाल अजी मैं वो शहरी के वास्ते पूछ रही थी अरे बेगम शहरी में क्या करो आप तले हुआ गोश्त सुने कच्चे टमाटर की चटनी साथ में बघारा खाना गरम गरम खाए तो क्या मजा आता मालूम है ये कोतमीर करियापा हरी मिर्ची भिंडी टमाटर का खाने बकरी है अपन ठीक है मेरा क्या जाता बनाती हूँ गोश्त खत्म हो गया घर में लेके आओ कच्चे टमाटर भी नहीं है लेके आओ और हरा मसाला खत्म हो गया वो भी लाओ तुम्हारे ने दिमाग नहीं है वो भी लाऊं जनाब अली मोहतरम जी मैं आपको पहले भी बोल चुकी अब भी बोल रही हूँ रमजान सबर का महीना है लेकिन आप मेरे सबरे जमील का इम्तिहान नक्को लियो आते आते लींबू तो भी लियो तले हुए गोश्त पे डालेंगे तो थोड़ा मजा तो भी आता ठीक है भाई ठीक है मैं आपको अभी तक का दो बार बोला अब तीसरी बार भी बोल रहा हूँ आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक है रोजा रखते कि गोरे हो गए आप वाह गोरे तो मैं बचपन से ही छू तुम्हें इतना क्रीम लगा के गोरे हुए से नहीं है हम लोग का हेलो कंपनी कलर है पैदा अपन दूध के जैसे बैठे सुने आप क्रीम बोले तो याद आया अर्ज किया है इशाद इशाद टूट कर प्यार करे जो दिल वो बिखर जाता है वाह 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 टूट कर प्यार करे जो दिल वो बिखर जाता है क्या वाकई फैजा क्रीम लगाने से चेहरा निखर जाता है हाँ तो मेरी खूबसूरती पे शक कर रहे अल्लाह मियाँ शैतानों को बंद करने से पहले ये आदमी को बंद कर देना था तो उसके अलावा अगर आप लोगों को ये बेहतरीन ज़बरदस्त ऐसे कुर्ते कुर्ताज खरीदना है कुर्ते वगैरह तो आप जो है सो फैशन एंड फ्रीडम से ले सकते हैं आपको जो है सो ये शॉप ओल्ड सिटी चंद्रायन गुट्टा बिसाइड अमीन कॉलोनी नियर फलकनुमा ब्रिज तो जाके आप लोग वहाँ से ले सकते हैं या फिर ना तो स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे होंगे आप कॉल करके एड्रेस भी ले सकते हैं थैंक यू सो मच बात सुनो मेरी बात सुनो भाई तो मेरी बात सुनो देखो क्या है आजकल लोग गोरे होने का क्रीमा लगा के गोरे होकर खट्टे पोजा मार रहे हैं ये शेर उनके वास्ते था भाई आपके वास्ते नहीं होता यू वॉन्ट टू बी ब्यूटीफुल ग्रो टू बी ब्यूटीफुल है जी तुम आखिरी है तुम बोल रही हो अच्छा इधर एक मिनट ठहरो अभी आती हूँ अरे ये औरतों का एक मिनट नहीं होता भाई मजे अरे नहीं होता भाई जल्दी आओ एक दो अढ़ाई तीन आ गए हाथ दियो हाथ देने वाले में से नहीं है जी अपन जिंदगी भर का साथ देने वाले में से हाँ हो गए तुम्हारे सड़े हुए डाला होगा हथेली दियो तुम्हारे को ये चक्के दिखाओ कैसा है ऐसा बोलो ना जी सालन बने देखो चक्के दिखाओ पकाते तुम चकना हम आगू पड़ता भेंडी का है क्या तेज है बिल्कुल आपके जैसा तुम्हारे अम्मा से तो कम है चू अरे क्या हाजिर जवाब हो रहे थे जी तुम खाली का है पेट का नहीं जबान का भी रोजा रखना पड़ता समझे ये जबान सरसरी चला चला के लास्ट रमजान में अम्मा से लड़ लिए तुम पिछले रमजान की तो तुम बात इश नगो करो मेरे एहसान को शहरी में उठ रहे थे पेट भर के खाना गेंडे के वैसा सोना ना नमाज ना इबादत ये कौन सा रोजा हुआ जी खाली भूखे रहे तो उसे रोजा नहीं फाकता बोलते फाकता ए जाहिल औरत उसको फाकता नहीं जी फाखा बोलते हाँ क्या तो भी है तुम्हारे को समझ आया ना काफी है काफी से याद है बेगम एक कप डिकॉशन बनाना प्लीज अच्छा अपने मतलब की चीजें याद रहते तुम्हारे को मैं कुछ भी बोलू तो कान में जू तक नहीं दौड़ती तुम्हारी मेरे काम की चीजा मेरे मतलब की चीजा तो याद ही नहीं रहते तुम्हारे को कौन सी चीज बेगम कौन सी चीज अच्छी वो परसों बोली थी नहीं मैं तुम्हारे को क्या है कि भाई जरा तुम एक डिकॉशन तो बना अपन वो पियो तो दिमाग काम करता तो बना ना प्लीज ला रही ठहरो कहा हुआ जी अभी तक नहीं बनी डिकॉशन लाओ अरे
माशाल्लाह ड्रेस चेंज कर लिए हो। ओ, वो ड्रेस में बेचैनी हो रही थी। अच्छा सुनो, वो हमारी पड़ोसन है नी मुमताज। क्या हुआ उसको? सब खैरियत तो है हमारी पड़ोसन मुमताज? अरे तुम्हें को पहले बोलना, वो ये सब बात अचानक ऐसा नहीं बोलना। कुछ भी हो गया तो कैसा, आप क्या हाल में है कि कहने के बिचारे ठहरा मैं देख क्या। ओ गरीबों के शाहजहां, तुम काय को इतना घबरा रहे? मैं कहीं को घबरा रहा हूँ जी? वो वो अरे अपने पड़ोसन है भाई, क्या है कुछ भी गैर गलत हुआ तो सबसे पहले रिश्तेदारों से पहले लगाते इसके आस्ते भाई। घबरे आदमी, ये लो, क्या भी नहीं हुआ उसे। अच्छा अच्छा हुआ तुम बोले मेरे को, ना तो हैबत हो रही थी मेरे को। हाँ हैबत तो अब होती तुम्हारे को। दाजी वो हमारी पड़ोसन है नी मुमताज, उन्होंने 4 तोले का सोना ली। क्या हुआ उसका हस्बैंड रहन रखा दिया, यानी तो बेच के पी लिया क्या? अरे पाकिट है वो, उसका कोई भरोसा नहीं। अजी मेरी पूरी बात तो सुनो जी। चोरी हो गया क्या? हाँ अरे रमजान में कौन चुराया थी वो बेशरम। अरे यारो कल रात में पुट्टे भाग रहे थे वहां से, तो लगा चुरा के भाग रहे थे होंगे। मैं वही बोल रहा था, हैबत में कहीं को भाग रहे ना बोल के। अरे वही क्या होता, कौन सी भी चीज किधर भी रख दिए ना तो ऐसी छोटा। ये 4 तोले का हार बोले तो अंदाजे से 2-2.5 लाख का तो था होगा, मगर मुमताज इतने गैर जिम्मेदार है नहीं मालूम था मेरे को। तुम भी इतने बातों नहीं ऐसा नहीं मालूम था मेरे को। अच्छा मेरी पूरी बात तो सुनो जी। हाँ बोलो। मुमताज को उसका हस्बैंड 4 तोले का सोना दिया। अरे चुप बैठो जी, चुप बैठो। वो पैकेट कहाँ से देता? पैकेट डाल लेके पित्तल के हार को सोने का पानी चढ़ा के दे दिया होगा। और मुमताज भी एक नंबर की भामती हो रहे थे, सुने तुम उसके बातों पे यकीन ना करो, झूठे लोग आए जी लगा। अच्छा मेरे को 5 तोले का रानी हार होना। अरे बेगम तुम्हारी खूबसूरती के सामने सोना क्या है, हीरे हीरे। तो तुम हीरो का हार देते बोल रहे? नहीं जी, जब आप मुस्कुराते ना आपके दाता ऐसा चमकते जैसे कि मोती। तुम्हारे सामने मोतियां भी कुछ भी नहीं है। हाँ पर अभी तो आप बोले थे मेरे को हीरो का हार देते बोल के। कोई नहीं, हीरे का नाम सुने आप? हाँ वही जो अंग्रेजों चुरा के ले गए थे। झूठ, अफवाह है वो। कोहिनूर हीरा तो मेरे पास है, वो भी एक नहीं 2-2 है मेरे पास। तुम कब चुराए जी कोहिनूर हीरा? इंग्लैंड से, वो भी बस्ती के बाहर तो गए नहीं आज तक। इंग्लैंड कब गए जी? अरे बेवकूफ औरत, मैं आपके आंखों की बात कर रहा हूँ। आपके आंखा का हीरे से कम है? इतने खूबसूरत है मेरे आंखा बेगम। दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो आपके आंखा है। छोड़ो जी, जब से छोड़ो ना जी। बस क्या कप पी लेते, पत्ते का कचरा है फेंको। और वो कचरे का क्या जो आपके दिमाग में है? एक मिनट, फोन आ रहा। हेलो, क्या ऐसा कब? अच्छा, अरे नहीं मालूम था यारो मेरे को। ओके डन, ठीक है, तो कल की इफ्तारी फिर उसके पास ही करेंगे अपन। हाँ समझ गए ना? ओके चलो ठीक है, राइट, हाँ राइट, अल्लाह हाफिज़। हाँ आ रहा। चलो भाई जाना पड़ता। ओ फोकट आदमी, कहाँ जा रहे आप? दावत तो कल है ना? ए मैं कितनी बार बोला जाते खुद ब्रेक आने लगा ना बोल के, क्या है बोलो। अजय आप ऐसे बार बार मेरे को अकेले छोड़ के चले जाते, मेरे को अच्छा नहीं दिखता। मेरी भी फीलिंग है ना, आप अपने दोस्तों को अपनी खुशी को देख के निकल जाते, मेरी खुशी को कौन देखना? मैं देखना बेगम, मैं देखता हूँ। अब देखो भाई कल की एक दावत ही है ना, जाना पड़ता भाई, दोस्त का मसला है ना तो नाराज हो जाता है। परसों से पूरे रोजे साथ में खोलेंगे अपन, ठीक है? डन, ठीक है। एक काम करो आप, कल आपके पूरे सहेलियों को बुला लो, बुला के इफ्तार की दावत कर लो, ठीक है? जाओ मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो। अरे अब क्या है जी? आपको मैं पसंद ना? अरे तुम पसंद है बोल के तो मैं तुम्हारे से शादी कराना। तो आपके ख्वाबों में आती हूँ ना मैं? नहीं नहीं। वो कह को? मैं ऐतल कुर्सी पल के सोता ना। आ गया यार उसके घर को, क्या बोलते? ये गली में ले ले देखो, ऐसे इधर ले लो। हाँ ये गली में ले ले। क्या बोलता आप?
गेट से जाएंगे या दीवान खाने से? दीवान खाने से चले जाएंगे यार, चलो खुला भी है ना। चलो बिस्मिल्लाह। आवाज देंगे बेल मारेंगे यार, चला जानदा अपना ही से यार। बेल मारो बेल मारो। मुंगा बंदा घर पे? घर पे रहता ना यार। आमिर भाई। हां कौन है? अरे आओ यारो बाहर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और बट्टे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत दिनों के बाद निकल गए जमाने में। हाँ जी, अब क्या करेंगे, क्या है भाभी के हाथ के हलीम दही बड़े उबली हुई दाल मस्त दिल वाला। तो हमला सोचे आज तेरे के रोदा खोल लेंगे। तुम लोगों को आज ही चाहने का था, मेरे को अर्जेंट काम से निकलना था रमजान में लुंगी पे, वो भी अर्जेंट काम से। क्या बात है यार। मैं रेडी हो रहा था यार, कुर्ता पहन लिया, पैजामा पहनने वाला था, उतने में तुम लगा आ गए जीनों के वैसा। एक काम करेंगे, इफ्तार पार्टी है ना अगले हफ्ते रख ली। अरे नको यार, अगले हफ्ते मेरे घर पे इफ्तार पार्टी है, सुने आज तुम्हारे घर पे कर लेंगे भाई। अरे समझो यार, अर्जेंट जाना है मेरे को। कितना भी अर्जेंट काम रहो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम रहो, रमजान में इफ्तार के बाद ही रहता उस्ताद। एक काम करेंगे, बाजू मस्जिद में इफ्तार कर लेंगे। हाँ। कर लेके नमाज पढ़ते ही निकलना है मेरे को, अर्जेंट है। अरे यार एक काम करेंगे ना, पहले अपन घर पे इफ्तारी कर लेंगे, नमाज पढ़ने मस्जिद क्यों देंगे, वहाँ से फिर तुम चले जाओ। सही बोल रहा ना उस्ताद। ऐसा एक काम करेंगे, बाजू गली में इफ्तार पार्टी है। हाँ। वहाँ पे क्या तो इफ्तार के बाद खाने का भी इंतजाम है, वहाँ जाके खा लेके कर लेके निकलेंगे। अरे क्या बात कर रहे यार, हमारे गली में चार इफ्तार पार्टियाँ थे, वो छोड़ के हम तुम्हारे पास आते आ रहे हो, तुम अलग बहाने बना रहे हैं। अरे क्या फुगट लोग आए यार, बोले तो समझ रहे ना, समझो यार अर्जेंट जाना है मेरे को। अरे एक दिन सब कुछ जाना है उस्ताद, चलो अपन पहले रोदा खोलेंगे। चलो चलो क्या तुम बोला ना, मैं बड़ा हूँ बड़ा खजूर लेता हूँ, मुझे मैं छोटा हूँ मैं लेता हूँ। बोला ना बड़ा मैं लेता हूँ खजूर। हाँ मैं बोला पहले मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ खजूर, मैं लेता हूँ बड़ा खजूर। अहमद असलम वो दो खजूर इधर लाओ बेटा, मैं काट के देती हूँ, अपन मिल बांट कर खाएंगे, उससे घर में बरकत रहती बेटी, इधर लाओ वो। आवा रो रो रे गई। क्या बोलूँ यार रजाक भाई, अल्लाह ताला मेरा सब्र का इम्तिहान ले रहा है, बहुत परेशान हूँ भाई, दाने दाने के लिए मोहताज होगा, और इज्जत की खातिर मैं किसी के साथ कुछ पूछ भी नहीं सकता। हमारा छोड़ो यार, हमला तो कैसा भी चला लेते, मगर बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते यार। अगर हम लोग शहरी में खा लिए तो बच्चे दिन में भूखे रह जाते, बल्कि हमला दो दिन से बिचारी का रोजा रह रहे यार, पेट में एक अनाज का दाना नहीं है दो दिन से। आज का जरूरी काम क्या था मालूम तुम लोगों को? बाजू गली में नमाज के बाद खाने का इंतजाम भी था, वहाँ खा ले गए, मेरी बीवी बच्चों के लिए खाना लाएंगे बोल के जा रहा था, उतने में तुम लोग आ गए। खैर किस्मत की बात, आज भी रोजा पानी से खोल लेंगे। चलो एक मिनट। अरे यार इतना सुन के भी यहाँ खड़े हुए क्या बिलाल भाई, जाओ जरा ला लो, जाओ फिर लेके आ रहा हूं। अरे अब कहाँ जा रहा है भाई? अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। अरे आता जी कहीं भी एंड टाइम पे काम ही जा रहा है मैं उसको। आता आता, चलो तुम बैठो, चलो चलो। अरे आओ आमिर भाई, आता हूँ कहीं भी नहीं गया, बैठो। ऐसा दिल पे लिए तो कैसा भाई, अभी हम लोग दोस्त आपके जिंदा है, सुने आप टेंशन न करो। आ गए सब, क्या जरूरी था? अरे खामोश बैठा और आमिर भाई, हमारे को क्या नहीं मालूम यार तुम्हारे बारे में, बचपन से साथ घूमते यार हम। हमारे को आज भी याद है जब बस्ती में कोई भी गरीब मुश्तक रहता तो उसका हक आप उसके दर तक लिख जाके पहुंचाते थे, किसी को परेशान नहीं देख सकते थे आप। आज आपका बुरा वक्त चल रहा तो क्या हुआ भाई, हाँ अल्लाह आपको आजमा रहा, आप हिम्मत न करो। आप कहीं को बोले तो अंधेरी रात के बाद उजला सवेरा आता, हर मुश्किल के बाद राहत है आमिर भाई। बराबर, टेंशन न करो भाई, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। पर देखो क्या है, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, बोलो आप। सही बोले यार तुम लोग, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शर्मिंदा नको करो यार, तुम क्या इफ्तार का टाइम हो रहा, दुआ कर लेते बैठेंगे। सकलेन द्वार पे लेटा ला बेटे, आओ जल्दी आओ, टाइम हो रहा।
कोई भी नहीं करे यारो, हम लगा दा रहे थे रस्ते में, कौन क्या गल्ला का बंदा मस्जिद के ना राशन बांट रहा था, इफ्तारी बांट रहा था, तो हम लगा दा के बोले भाई हमारा एक दोस्त है आमिर, बहुत गरीब है बेचारा, खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्या उसके नाम पे कुछ तो भी दे देना भाई, हम लोग उसको पहुँचाते थे बोल के हम लगा ला लिए। अरे तुम लोग की मजाक करने के, भाग रहे। अरे अरे काम कर, ये पकड़, बच्चों की ईदी है और ईद के कपड़े ला ले, चल चल रे। की मजाक करने की आदत नहीं जाती, खुद करके दूसरों का नाम डाल रहा, आज दोस्ती का हक अदा कर दिए लोग, अल्लाह ऐसे ही दोस्त हर किसी को नवाज, और ऐसी दोस्ती को सलाम है। अरे एंड टाइम पे आप कौन फोन कर रहे यार, ओ मेरे बेगम है। हेलो अजी, चूल्हे की दीवार पे सिपला के सिपला। क्या तुम्हारे मामा दीवार पे क्या कर रहे? क्या बोले जी? आओ जी घर को, आओ जी तुम्हारा दिखाती जी, आओ। चली गई। काय सिप्ला, काय तुम्हारे इंतजार करे तो मेरा इंतकाल हो जाता था अभी तक, भगा दी मैं काड़ी के झाड़ू से। बहुत हिम्मत वाले हो गए बेगम तुम। हाँ फिर तुम्हारे भरोसे रहे तो हो गया था काम मेरा। अच्छा जान दो, चलो खाना निकालो, भूख लगी। रमजान की शॉपिंग का कैसा? खाते हुए बात करेंगे, चलो। अरे यारो बेगम, बेगम व्हाट इज दिस? नहीं व्हाट इज दिस? दिस इज दाल। नहीं अच्छी बनी ना जी दाल। क्या अच्छी है जी, क्या अच्छी है, ना नमक ना मिर्ची ना टेस्ट, कुछ तो भी अच्छा पकाने आता तुम्हारे को? मेरे को एक ही चीज अच्छे से पकाने आता। और वो क्या? आपका दिमाग। अजी गोश्त लियो जी, शर्मा रे काय को आप, अभी रमजान के खाली 10-12 रोजे रखे तो तुम्हारी ये हालत हो गई, पूरा रमजान खींचना अभी तुम्हारे को। क्या खींचे सर का है कि क्या नहीं की? तुम ऐसा टेस्टलेस मसालेलेस खाना पकाए तो क्या होता कि मेरा क्या नहीं की? से ना शुक्रे आदमी है जी तुम।
ए कामचोर औरत। मैं तुम्हें को कामचोर दिख रही हूँ। हाँ तुम है, मैं तुम्हें को नाशुकरा दिख रहा हूँ। हाँ तुम भी है, जाओ मैं खाना नहीं बनाती हूँ, जाओ बाहर से मंगा के खा लो तुम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, रोज कम से कम अलग अलग टेस्ट के खाने तो भी मिलते, तुम्हारे हाथ का खा के बेजार आ गया भाई। हाँ ठीक है, तो मैं भी बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके खा लेती हूँ। कितना भी करो जो तुम्हारा दिल नहीं भरता, हमेशा नाशुक्रपना करते तो। अरे मजाक कर रहा था बेगम। नहीं मजाक कर रहा था, अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, वो इट्स ओके, मगर क्या है खाना जबरदस्त बने तो मैं खाली तुम्हें सता ले रहा था। जरा पानी उसमें है, देखो पियो। हाँ पियो पियो, दबा के खाओ टाइट, थोड़ी देर में जेब हो जाएगी लाइट। क्या बोले तो अभी, क्या बोले? मैं बोली टाइट खाओ लाइट लेके। हाँ मगर मैं तो कुछ और सुना ना। सुन लिए, अभी पढ़ो मेरी लिस्ट। शरारा गरारा लेता मस्तानी ड्रेस, माँ की टांग। टांग इधर दो अच्छी मैं पढ़ती दो। शरारा गरारा नहीं तो मस्तानी ड्रेस, मांग का टिक्का, बालियां झुमके, गोट के चूड़ियां, बांधनी दुपट्टा, मैचिंग सैंडल्स, मैचिंग ब्रेसलेट्स, मैचिंग नेकलेस, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, लिप लाइनर, अरमानी की घड़ी, हुडा के आईशेड और पर्स, बड़ा वाला छोटा वाला दोनों पर्स चाहिए, पिंक ब्लश, मरून ब्लश, ब्राउन ब्लश, ज्वेलरी, स्टोन्स वाली ज्वेलरी और चांदी की चेन, लाल मेहंदी के 10 पुड़ियाँ और काली मेहंदी के 5, फिर ईद का जोड़ा, चांद रात का जोड़ा, अम्मी के घर को जाने वाला जोड़ा, फिर खाला को एक ड्रेस, अम्मी को एक ड्रेस, हमारे बहन के वास्ते एक ड्रेस, और पापा को एक कुर्ता, भैया को एक शेरवानी और हमारे मामू जान के लिए भी एक कुर्ता। कहाँ जा रहे जी? भीख मांगने हो गए को? तुम्हारे ये सब ख्वाहिशा पूरे करना बोले तो भीख तो मांगना ही पड़ता ना बेगम। तो मक्का मस्जिद जाके भीख मांगो, वहाँ का कलेक्शन अच्छा होता। फिर तुम्हारे वहाँ भी वंश बढ़ते का रमजान में। बैठो आप, आओ ना बैठो। क्या आपको जितना कोशिश करना है कर लो, मैं नहीं लड़ती हूँ। आज तो मैं शॉपिंग जाकर रिच रहती हूँ। करो भाई गुनों को करो, बोल रहे हैं आपको बराबर करो, मगर क्या है एक हिसाब से एक लिमिट में, ये फजूल खर्चे बोले तो नहीं होता भाई अपने से। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारे हिसाब से ही करेंगे, एक नंबर के कंजूस आदमी। कंजूस की कुछ भी नहीं है, ये फजूल खर्चे बोले तो अपने से नहीं होता भाई। सुने तुम, इससे अच्छा ज़कात और फितरा तो भी निकालना, उससे कम से कम गरीबों को मदद तो हो जाती और सवाब का सवाब भी मिलता। आओ सब मालूम है को, चलो चलो जाएंगे चलो। अरे अब भी आओ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अबिच, कल आप पलट गए तो शॉपिंग करेंगे कब? ठीक ठीक, पानी दो, एक गिलास पानी दे जरा। अरे पानी में झिंगूर गिर गया। अरे तुम्हारे बाबा को मेरा एक गिलास मिला था गिरने के वास्ते। आप मेरे को कितना सताना चाहते सता, पर मैं आपसे नहीं लड़ती हूँ। आज तो मैं शॉपिंग पे जाके ही रहती हूँ। जाएंगे जी सर, सबर करो, फोन आ रहा, देखेंगे क्या। हेलो, हाँ अच्छा आज ही? ओहो कितने बजे? अरे हो गया ना हरो टाइम। हाँ आ रहा हो गया, खाना हो गया, आ रहा हाँ, राइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, रमजान के महीने में शैतान के बजाय फोन आ तो भी बंद कर देना था, सो भी इंसान नेक हो जाते थे। शैतान से याद आया, अर्ज किया है। इशाद इशाद, आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो। वाह वाह, साया सा कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। वाह वाह, अब तुम ही बताओ तुम किसी चुड़ैल से कम हो? <गुण। laughs>
कौन था जी तुम्हारा वो आवारा दोस्त? हाँ, रमजान के महीने में भी तुम्हारे को आवारा करते करते फिरना है? ए, पागल औरत, तरावियों को जा रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे को शॉपिंग लेके जाओ बोले तो तरावी याद आ रही तुम्हारे को? 10-12 रोजे से तो आवारा गर्दी करते फिर रहे थे तुम अपने दोस्त लोगों के साथ। बेगम, क्या है ना, 1-2 दिन के तरावी छुट जाते ना तो क्या है, पढ़ने का ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता। क्या है, बड़ी मस्जिद में आज से 5 पारों की तरावियाँ शुरू हो रहे थे, 6 दिन में तरावी खत्म हो जाती, उसके बाद जाएंगे जी अपन शॉपिंग। टेंशन कहीं को ले रहे तुम? देंगे बेगम। नक्को, मेरे से सब्र नहीं होता, कल सुबह ही जाएंगे शॉपिंग को। पहले मेरी शॉपिंग को जाएंगे भाई। वो गई को? अरे तुम्हारे शॉपिंग के बाद ना पैसे रहते ना हालत रहती, इसके वास्ते। वो बात भी सही है, ठीक है पहले तुम्हारी शॉपिंग कर लेंगे। अरे कावा बेगम, तुम्हारे भाई की आवाज आ रही बाहर से, देखो। मेरे भाई की नहीं जी, गौर से सुनो, आपके भाई की आवाज दिख रही। अच्छा तराबी का टाइम हो रहा जी, निकलो। अच्छा है, दिल रहा। अरे खाना नहीं खाया? आगे खाता हूँ, आगे खाता हूँ। हाथ धो के जाओ। धो ले तो बाहर। हरकत ना करो, मेरी दोस्त की दुकान है, इज्जत का सवाल है, इज्जत से ले लो। देखो कितनी बड़ी दुकान है। तुम मेरे को ये सब नक्कू से कह समझे? अच्छा सुनो, भैया के वास्ते और पापा के वास्ते कपड़े लेने का है, याद रखो। बोलिए भाई, क्या कपड़े बताऊं? भाई बेहतरीन जबरदस्त ब्रांडेड कुर्ते दिखाओ। ठीक है, थैंक यू। मैं मेरे वास्ते ले रहा हूँ, तुम्हारे पापा को और भैया को जो है सो बाहर फुटपाथ पे से लेंगे। हमारे खानदान की इज्जत तेज है तुम्हारी नजरों में? अरे तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे खानदान की क्या इज्जत रहती जी? तुम्हारे को मेरे पे पैसा खर्चा करने के वास्ते बहुत तकलीफ होती? नहीं, कौन तो भी दूसरी पाल ली है क्या, उसके पीछे खर्चा करने के वास्ते तुम यहाँ पे खर्चा नहीं कर रहे? अरे ये कुछ सामान लाने वाला दूसरी कहीं को कर लेता हूँ। दूसरी मिलती भी नहीं मेरे वैसी। मैं क्या दीवाना हूँ दूसरी तुम्हारे जैसे लाने के वास्ते? मतलब तुम दूसरी करने का सोच रहे? बोलो, देखो मेरी बात, ये प्यार मोहब्बत के बाद आओगे तो कपड़े बताऊँ क्या? जरा दिखाओ दिखाओ। हेलो भाई, नया स्टॉक आया हुआ है। हाँ। ये देखो पीला कुर्ता, अगर ये तुम डाल लिए ना मंजे के दूल्हे दिखना। हाँ। ये रहा पिंक। हाँ। ये पिंक कुर्ता अगर तुम डाल लेके निकलेंगे ना बाहर, पूरे बच्चियाँ पलट पलट के देखना तुम्हारे। भाई एक देख के परेशान कर दिया। काला कुर्ता एकता डाल लेके तुम अगर बाहर निकलेंगे ना, माशाल्लाह नजरबंद से बच जाते तुम पूरा। और ये रहा कुर्ता, ये नया स्टॉक है। ये स्टॉक अगर तुम ये कुर्ता डाल लेके निकलेंगे ना, तुम्हारा को पूछना माशाल्लाह भाई कहाँ से लिए कुर्ता हो ये। और ये फूलों का कुर्ता अगर तुम डाल लेके निकलेंगे ना, लोग बोलना बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और ये नया स्टॉक है, अगर ये तुम कुर्ता डाल लेके निकलेंगे ना, पठान के शाहरुख खान दिखना तुम। ये कुर्ता, ये भी कुर्ता अगर तुम लेंगे ना, भाई पूछना भाई कहाँ से लिए कहाँ से लिए कहाँ से लिए बोलिए। अच्छा, काम करेंगे ये ट्राई करेंगे। ये और ये वाला भी ट्राई करके आ जाओ। चलो डन। कैसा है कुर्ता? जबरदस्त बेहतरीन है ना, दिख रहा हूँ जबरदस्त। ये क्या जी, तुम्हारा पूरा पेट बाहर दिख रहा, तकिए पे गिलास चढ़ाए जैसा दिख रहा। भैया जरा मीडियम साइज का दिखाओ ना। अरे नहीं नहीं भाई, मीडियम साइज कुछ भी नहीं, काम करो आप, बड़े बड़े कैरियों का कुर्ता दिखाओ, जरा अच्छा दिखना पहने तो वो दिखाओ। हाँ, तुम खुद को पठान के शाहरुख खान समझ रहे? हेलो
शाहरुख खान को फैशन अपन सीखा है, अपन किसी का हीरो से कम है। ये आपका वहम है, आप सिर्फ नाक में दम है। सर जरा जल्दी डिसाइड कर लो ना, गिराक का टाइम है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत जच रहा आप पे। भैया आप ये पैक कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आंख पे रख के सीए जैसा दिख रहा। भाई ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं ले ले रहा हूँ ये। चलो बिलिंग करा लेंगे, पैसे लाए ना। लाया जी, कहीं को बेइज्जती करा रहे। चलो भाई जरा बिलिंग करें, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। कितने का है भैया? 1599 बाजी। 1599, 600। 600 सिलवाई का रेट भी नहीं होता बाजी। क्या बात करे भैया, सिलवाई का 200, कपड़े का 400, 200 400 600 बराबर ही बोली नहीं। क्या हुआ बाजी, बाबा आदम के जमाने के रेट हम बोल रहे क्या? जमाना बदल गया। तो क्या भैया, अभी मैं परसों एक दो जोड़ी कुर्ते सिलवाई, अस्तर के कितना हुआ था? अस्तर का 250 और बिना अस्तर का 200। कई को लेते भाई, भाभी सिला लिए थे ना दो जोड़ी, अस्तर का भाभी पहन लेते, बिना अस्तर का आप पहन लो। कई को बेइज्जती करा रहे जी, जरा खामोश बैठो ना जी, मैं बात कर रहा हूँ। इनको भी मालूम क्या तुम्हारे बारे में? भाई वो कुछ भी ऐसा डिस्काउंट ऐसा नहीं है। नहीं, बॉक्स पे आपको पूरा फिक्स है, बाकी का आप कोसा भी आइटम ले लो, उस पे पूरों पे डिस्काउंट मिल जाता आपको इंशाल्लाह। हाँ कितना बोले भाई? 1599 तो बड़ा भी नहीं है भाई, ब्रांड के हिसाब से कपड़े के हिसाब से बराबर ही से। अब औरतों का मालूम ना भाई, तुम लोग जो इसको इसका मार दो इसके अंदर में। हेलो भाई, इस पे मारो। इस पे मार। कवर दो। वो क्या देखो भाई, और भी जिद्दी कराते क्या? चलो कौन है इधर? राइट थैंक यू, राइट। चलो। अरे हमारे बाबा के लिए भैया के लिए तो लिए नहीं कपड़े, भूल गए देखो। ऐसा कैसा भूलता हूँ? देखो हुआ तो कभी मैं आपको भूल सकता हूँ, मगर आपके बाबा को तो कभी नहीं भूल सकता हूँ। तुम इतना प्यार करते हमारे पापा से। हाँ, जो इंसान मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बैगन में मिला है, मैं उसको कैसा भूल सकता हूँ? अरे मजाक कर रहा था बेगम। चलो जी चलो। अरे ठहरो जी, पहले लिस्ट बनाना पड़ता, खाली उठ के चलो 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 बोले तो हो गया। लिस्ट? कई की लिस्ट? क्या डजनों में बांट रहे क्या? खाली दो जोड़े कपड़े लेने का है, उसकी लिस्ट कई को बना रहे? कई के वास्ते लिस्ट? अमित पर सरदे वालों को देते। उन्हों क्या करते? रमजान में गरीबों को कपड़े बांटते। तुम हमेशा हमारे अम्मा बाबा की बेइज्जती ऐसे ही करते। गेज करना था तो मैं ऐसे शादी कैसे करे? कोई तो अमीर घर की लड़की देख के, हूर की परी देख के उससे शादी कर लेना था, उन्होंने खैरा दे दी थी तुम्हारे को। जा रही हूँ मैं, घर जा रही हूँ अपने अम्मा बाबा के। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। मेरे ख्याल से आप लोगों को जबरदस्त मजा आएगा, शॉपिंग में ऐसा होते रहता हर किसी के, वाइफ घर वाले बहन सब ऐसे तंग कर देते जाते ही, बेइज्जती भी कर देते, सौ की चीज को 50 ने बोल देंगे, वह होते रहता नो डाउट। खैर उसके अलावा अगर आप लोगों को जो है सो शॉपिंग करना है रमजान के बेहतरीन जबरदस्त खूबसूरत प्यारे कुर्ते अगर आपको लेना है, तो आप फैशन एंड फ्रीडम को आ सकते हैं। आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे भाई पूरे रेडी होकर खड़े हुए, फॉर्मल्स डाल के आप लोगों को वेलकम करके बेहतरीन जबरदस्त आपके हिसाब से कपड़े दिलाएंगे इंशाल्लाह आपको। और जो है सो आप लोगों को पैसों में थोड़ा बहुत डिस्काउंट करने के लिए भाई भी बैठे हुए, तो बॉक्स पे नहीं है, देखो आके बॉक्स पे करो बोले तो नहीं बता। बाकी सब पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, सिर्फ बॉक्स पे फिक्स है, बॉक्स का कोसा भी आइटम ले लो आप फिक्स है, बाकी हर चीज पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोग जब इधर आएंगे तो आपको बेहतरीन जबरदस्त फैशनेबल कुर्ते दिखेंगे, जैसा कि आप लोग देखें। और जिस जितने भी कुर्ते आप ये सीरीज में देख रहे हैं पूरे जो मैं पहना हुआ पूरे फैशन एंड फ्रीडम से, तो आप लोगों का एड्रेस बोल देता हूँ, फैशन एंड फ्रीडम चंद्रायन कुट्टा बिसाइड अमीन कॉलोनी नियर फलकनुमा ब्रिज। आइए जबरदस्त बेहतरीन कुर्ते शॉपिंग करके जाइए, 24 आवर सर्विस है, 24 आवर से रमजान में इंशाल्लाह 24 आवर सर्विस रहेंगी रमजान में।
चलिए आइए। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ अपने मम्मा के घर को। जा रही हूँ। ठहरो ठहरो बेगम, ठहरो पागल औरत। अच्छा मेरी बात सुनो, ठहरो जी, क्या है, व्हाट इज दिस? रोड पे तमाशा करे तो लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे, तुम कितने अच्छे शहर है समझेंगे और क्या। जरा हल्लू बात करो जी। देखो क्या है मालूम है, मजाक कर रहा था वही, अब तुम्हारे मेरा मजाक भी पसंद नहीं आ रहा था, आज के बाद से मजाक नहीं करता, भाई जो नहीं करता मजाक। तुम्हारे क्या करना है कर लो, मेरे हद तक, मेरे खानदान की हद तक नक्को आओ, समझे? तुम्हारे को गिनने का शौक है नहीं, तुम्हारे खानदान वालों को जाके गिन लो, मेरे खानदान वालों को नहीं आना। आंधे भाई किसको भी नहीं गिनता, ना तुम्हारे को, ना तुम्हारे खानदान को, ना मेरे खानदान को। ठीक है, गलती हो गई, माफी चाहता हूं। चलो तुम्हारी शॉपिंग करने देंगे, चलो चलो। पहले बैठो, तुम फिर उठ के भाग देंगे, नहीं तो एक परेशानी भाई। आना चढ़ो, आना चढ़ो, आना चढ़ो तुम। तारा मैं चढ़ाता हूँ गाड़ी, ऑफ बैठे रहो। हाँ चलो दुकान को जाके मेरे फेवरेट कलर के चार जोड़ी कपड़े लेने का, चलो। चार चार कपड़ों का कहा, चार डालते? अरे अलमारी भर के इतने कपड़े पड़े हुए हैं, पट खोलते के आंग पे गिर रहे कपड़े, उसका क्या करते? अजी वो छोटे हो गए कपड़े। छोटे नहीं हुए बेगम, तुम मोटे हो गए। ऐसा बोल रहे जैसा भगोना भर भर के अपने हाथ से मेरे को खिला रहे जैसा। हाँ ऐसा बोल रहे जैसे कि मैं तुम्हारा अनाज का गोदान खा गई। हाँ अरे ताने नहीं मार रहा हूँ बेगम, मैं बात से बात निकली तो बात कर रहा हूँ, और वैसे मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। तुम मेरे को मेरी फेवरेट चीज तो टाइम पे नहीं खिलाते, मगर ताने बराबर मारते तुम। क्या है कि उजाड़ वजन कमिच नहीं हो रहा, कितना तो भी डाइट करना, क्या तो भी करना, समझ नहीं आ रहा। आप जितनी जबान चलाते ना बेगम, अगर उतने खदमा चलाते थे ना तो वजन कम हो जाता था आपका। ऐसी बातें करते ना तो मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। जाओ। क्या बोले? मैं बोला ठहर जाओ, तुम खाली जाओ सुने क्या। चलो चलो दुकान को चलो। चलो आ जी, आ जी, जल्दी आ जी, टाइम नहीं है, फटाफट जो भी है। क्या? ये क्या जी, तुम कपड़े के दुकान को लाए कि गोदाम को लाए? ये हमारे मोहम्मद भाई की दुकान है, समझे, यहाँ पे पूरा होलसेल रहता, रिटेल नहीं देते नू, फिर भी अपना खास मसला है बोल के अपने को दे रहे हैं, समझे। चलो तुम टाइम वेस्ट ना करो। कहाँ वा? लिफ्ट से चलते हैं। अरे इसके वास्ते वजन कम नहीं हो रहा तुम्हारा, चलो। अरे डंडगफूर, पूरा सीजन खत्म होने आ रहा ना, लेकिन तेरा कोई कस्टमर नहीं आ रहा, खाली अस्तर ब्लाउज शिमिश पेटीकोट में रह गया तू। अगर आज ग्राहक को नहीं पकड़ेगा ना तू, तो तेरा आखिरी दिन रहेगा ये, चल निकल। अच्छा बड़ा है यार शोरूम, क्या पुकारा कर रहा भाई सेठ, खाली कुर्सी पे बैठ के बोले तो नहीं होता, हैंडल करना पड़ता कस्टमरों को। ये कस्टमर का इंतजार था मेरे को, कैसा फंसाता हूँ देखो इसको, कपड़े बेचते बेचते इसको। आइए आइए मैडम, मैडम आइए, मैडम आइए, पता जो भी है जल्दी जल्दी खत्म करो, रोजा लग रहा। अच्छा भैया मेरे को अच्छे कपड़े दिखाओ। अच्छे आपको देख के दिख रहा, आप रईस घराने से है, नवाबों के घराने से दिख रहे हैं आप, नवाबियत झलक रही है आप में से पूरी। अरे यारो तुम ये तुम्हारे बातें बस करो, कपड़े दिखाओ, समझे। अब साहब नहीं है क्या मैडम, साहब ड्राइवर को लेके आ गए आप? आई इन्नो इच मेरे हस्बैंड है जी, आप जरा अच्छे कपड़े दिखाओ। अच्छे कपड़े तो हर कोई देखता ना मैडम, आपके आज से लाजवाब कपड़े दिखाता हूँ, कहीं को बोले तो आप है भी लाजवाब। हाँ फ्री हो रहा क्या? अरे मियाँ तू कपड़ों पे ध्यान दे, कस्टमर पे नहीं, समझा, कपड़े बता मियाँ। छोटो साहब क्या से गिरा, चिल्ड पानी लेके आ जा। हाँ रोजा हूँ। एसी बड़ा, एसी बड़ा, रोजा लग रहा शायद। आप जरा कपड़े दिखाओ। देखो ये इधर 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 खोल के बता मैडम को, खोल के बता, ये खोल भाई, तेरे कपड़े ये देखो, ये एक है, ये क्या जिसम को लगाओ मियाँ, ऐसा हाँ ऐसा बताओ, हाँ घूमो ऐसा, हाँ राइट। देखो मैडम बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत प्यारा है, ये देखो आप इसका पैटर्न देखे तो आप परेशान हो जाएंगे, खोल खोल जल्दी जल्दी, हाँ लगाओ ऐसा। देखो मैडम नया है देखो मार्केट में,
कैसा है, प्यारा दिख रहा है ना? बहुत आप पे तो बहुत बेहतरीन सूट होंगे ये। ये देखो आप, ये कलर, ये इंग्लिश कलर बोलते हैं, बहुत बहुत कम मिलते, रेयर मार्केटों में नहीं मिलते ये कलर। लगामा जरा आप पे ये कलर आना, बहुत बेहतरीन सूट होंगे। और कलर्स है, और कलर्स। एक 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 बेहतरीन ड्रेस बताता हूँ आपको, ये है देखो, ये देखो आप कलर, आपको बहुत बेहतरीन सूट होगा, ये परफेक्ट है आपके वास्ते, बहुत बेहतरीन सूट होता। ये कैसा है? अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये पैटर्न तुम्हारे को सूट नहीं होता बेगम। क्या हुआ बड़े भाई, क्या हुआ, चश्मा घर पे भूल के आ गए क्या? अरे अरे नहीं भाई, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ था ना, आप नहीं समझ रहे। अरे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तू नहीं समझ रहा। अब तुम लियो बोल रहे नको। बाब ये कलर है ना बेगम आपके पास? कलर हूंगा मगर पैटर्न तो नहीं होगा ना। हा? ये पेन के निकले ना मैडम, तुम्हारी पड़ोसन जल जाना। अरे यार मेरा खून चल रहा है, बात को समझ तू, खून चल रहा मेरा। अब एक काम कर, तू दूसरा कुछ भी बता। वो बता। छी, पुराना पैटर्न है वो, ईद के दिन पेन के निकले तो मंग के पेन है समझेंगे लोग। एक काम करता हूँ, साफ बोले से कलर में दूसरा ड्रेस दिखा देता हूँ। छोटो इसमें ले गया, इसमें ले गया, दूसरे इसमें ले गया, सेम इसमें ले गया, ये रेड के जुड़ा, ये लो सेम कलर डिफरेंट पैटर्न। तुम खाली पेन के निकले ना, तुम्हारी सास तुम्हारी ननन जल के मर जाना। अरे वो कुटने, अरे अच्छे खासे घरों में आग लगा रहा क्या? अरे तू गलती से मरद आदमी पैदा हुआ, अरे औरत पैदा होना था, तू जल के मर जाना कहते, तू जल के मर। देखो मैडम, व्हाट इज दिस हैपनिंग, नॉट रिक्वेस्ट। तुम्हारे को बेचना है हाँ। तो तुम इनकी बातों को काहे को ले रही जी, तुम अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा दिखाओ, टेंशन न लो। ये आदमी लिए सर का नहीं दिख रहा। अरे इनकी शक्ल पे नक्को जाओ, मानती हूँ सूरत से गरीब दिखते होंगे पर बहुत पैसे वाले, तुम टेंशन नको लियो, बिल पास मैं करा देती हूँ। अरे ऐसा है तो पहले बोलना नहीं, 12-13 हज़ार में क्या रखे हुआ है, 50,000 1,00,000 के बेहतरीन ड्रेसा दिखाता हूँ तुम्हारे को। अरे ले ले क्या? अरे भैया इतने पैसे वाले भी नहीं है नो, एक 12-15 हज़ार बोले तो क्या तुम्हें? अरे छोटो रख दे, इतने कैसे लूंगा। क्या बोला रे? नहीं भाई वो 50,000 1,00,000 के ब्राइडल के ड्रेसा हैं। आप लोगों का तो एक बार हो गया ना भाई, फिर दूसरी बार कहीं को आजाब बोल के मैं रखने लगा दिया। अरे क्या है वो, जो भी एक दो जोड़ा जो भी है देख के खत्म करो भाई, जंगे परे चिड़पना। और मेरे को तुम्हारे चिड़पना, गुस्सा, बेजारगी, इम्पोर्टेंट काम हमारे काम के बीच में ही चाहते तुम्हारे को। अरे नहीं जी, रोजा लग रहा। बड़े भाई जरा जाके एसी में बैठो, अव्वल आखिर बिल तुम्हारे को देना है, जरा तंग नको करो बड़े भाई प्लीज। अभी तक 4-5 ग्राहकों को हैंडल कर लिया था मैं। अरे यारो अगर मैं यहाँ से हिल गया ना, 2 के 4 हो जाते समझे। तो खामोश बैठो ना मुंह बंद करके, तुम्हारे को पहले ही बोली थी सहरी में अच्छा दबा के खाओ, शॉपिंग को जाना है बोल के। करो करो भाई जरा जल्दी पसंद करो प्लीज। अच्छा ये और ये दोनों पैक कर दो। ये दो छोड़े कर दो भाई, जरा जल्दी करो भाई, जाने का रोजा लग रहा। 12,000 + 12,000 + 600 रुपये टैक्स भैया, 24,600 रुपये हो रहे क्या? 24,600 जैसा गिर जा रहे क्या जी, रोजा लगा तुम्हारे को? अरे तो का ये रेट सुन के नाचता समझे क्या? अरे नो बोले सो रेट है, मेरा चुकाना बाकी है, रुको। 12,000 क्या? 12,000 हेलो मैडम, क्या हुआ, साइकिल पे बेचने वाला समझ रहे क्या तुम? जरा घूम के देखो शोरूम में अपन लोग। ऐसे 10 शोरूमों में रेटा गिराई सो हूँ मैं, मेरे को नको समझाओ तुम। अरे मैडम ये लाट का माल नहीं होता, ऑनलाइन जाके देखो 30-30 हज़ार रुपए का एक ड्रेस है। अच्छा जान दो, 12,200 बढ़ा दे रही बस। देखो सुनो एक सेकंड, देखो भाई कहीं को बेइज्जती करा रहे जी। देखो 24,500 रुपए लास्ट, 100 रुपए कम करा। जान दो भाई 12,500 बस फाइनल रेट बोल रहे, नहीं तो अपन दूसरे शोर में जाएंगे। सुनो सुनो, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, फाइनल
20,000 रुपए दे दो। तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, फाइनल 13,000। पैक करते करो नहीं तो हम निकल रहे अभी। ए छोटो, बिल करा जा मैडम के साथ जाके, जा जल्दी जा। बहुत चिकट है भाई, औरत ये कैसा रह रहे भाई तुम इसके साथ? मेरे को आधा घंटा नहीं हो रहा बर्दाश्त। शादी हुई तुम्हारी? नहीं भी। नको करो। अच्छा करे, बहुत अच्छा करे तुम, अखबार में डाल देगा। कहीं बोले तो क्या ऐसे नजर टोका नहीं लगता, और इतना महंगा महंगा कांसा ला रहे बोल के नजर लगाते हैं लगा, समझे? तो मास्क कैसे पहने? अरे पिगमेंटेशन धूप देखने कैसी काली हो जा रही सूरत। अच्छा वो लगी लेंगे ना कि कुछ मिनट, पागल हो गए क्या? क्या खर्चा उचा करना है क्या? ना बाबा का निजाम के खानदान से। चलो जी, किससे बात कर रहे? वो भेंडी और डोंडे लेना सहरी को, तुम्हारा कुछ पकाना है? देखो मैं थक गई शॉपिंग करके, चलो। हाँ इनो कौन है? मैं इनकी बीवी, आप कौन है? मैं इनकी बीवी। दुकान में शूटिंग करे उसका नाम है गुलजार ड्रेसेस, और हमारे मोहम्मद भाई इसके ओनर है, और इनके भाई मतलब लाइक भाई बोलिए क्या है। गुलजार ड्रेसेस पटेल मार्केट JVR कॉम्प्लेक्स में हमारी दुकान है। हमारा पूरा 100% होलसेल है, वन स्टॉप शॉप है ये, और यहाँ पे आपको कम से कम हमारे पास लेडीज़ वेयर में छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बच्चों से, हाउजियरी से लेके रेडीमेड, फैंसी से लेके आपको हल्के से 25 रुपये से लेके आपको 2,500 रुपये तक का आइटम लेडीज़ के अंदर हर वेरायटी हमारे पास अवेलेबल है। आप जो बोलो वो हमारे पास अवेलेबल है, लेडीज़ ओनली लेडीज़ के अंदर, बच्चों से लेके बड़े तक। तो हमारे से पास आइए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आपको शेयर किए जाएंगे, तो उस पर हमारे को कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको व्हाट्सअप सर्विस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, हर चीज़ की आपको सर्विस अवेलेबल है, और हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है गुलजार टेक्सटाइल्स के नाम से, तो आप उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए आपको रेगुलर अपडेट के लिए। और वीकली हमारा हर वीक हमारा एक 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 वीडियो हम ट्राई कर रहे हैं उसका, तो उसमें आपको रेगुलर अपडेट भी रहेगा। और रजाक भाई का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आए, और हमारे को बिलाल भाई का शुक्रिया, समीर भाई का शुक्रिया, सबका, पूरी टीम का, एक्टर अब्दुल रजाक गोल्डन हैदराबादी पूरी टीम का शुक्रिया। एक सेकेंड, आप ये पूरा ऑल ओवर इंडिया आप जो है सो शिपिंग करते हैं? पूरा ऑल ओवर इंडिया, आप 15,000 के ऊपर अगर आप परचेस करेंगे फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, 5,000 के ऊपर हम ट्राई करेंगे क्या, फिर 5,000 के ऊपर भी हम फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, लेकिन सिर्फ तेलंगाना स्टेट में हम कर सकते हैं 5,000 तक, और उसके ऊपर आप 15,000 के ऊपर हम पूरा इंडिया में हम आपको जिधर चाहो उधर हम आपको शिपिंग करेंगे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, इंडिया हो, इंडिया के बाहर भी हमारा सर्विस अवेलेबल है। चलो माशाल्लाह, आपको जो सो स्क्रीन पे डिटेल्स मिल जाते हैं या फिर नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलेंगे, आप जो सो गुलजार ड्रेसेस को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं जाती नहीं तुम्हारी आदत, कहाँ भले आप मुंह मार लेते फिरने की। तो मुंह मारते फिरते बोल के शक था मेरे को, पर अब यकीन हो गया। जरा शर्म करो जी, घर में चार खेलते कूदते कहलाना फिर रहे, तुम देखो तो जवान पोटियों को फिरा रहे। पोटी किसको बोल रहे? हाँ किसको बोल रहे आंटी, पोटी किसको बोल रहे? और कितना जलील करते जी, तुम्हारी सूरत देख के खामोश बैठ रही हूँ, नहीं तो ऐसे परियों को निचोड़ के फेंक देती हूँ। हाँ क्या बोल रही जी? नो क्या बोलो इनको कुछ। अरे मैं क्या बोलो जी, मेरे को बोलने दिए तो बोलूंगा ना। क्या बोलते जी, सब हाल हकीकत दिख रही तुम्हारी। इसके वास्ते ने 8-8 दिन घर के बाहर रहते थे, ये साइड पे जा रहा हूँ वो साइड पे जा रहा हूँ बोल के। अजी मेरी ने तो नहीं, घर में अपने चार चार नेटले पेटले बच्चों की सूरत देख के तो छोड़ देना था कि एक कुत्ते हरकत कहाँ मुंह मार लेते फिर रहेगी। इसके घर पे भी छाप दिए कैलेंडर। हाँ मैं क्या प्रिंटिंग प्रेस देख रही हूँ तुम्हारे को कैलेंडर छापने के वास्ते? और तुम कहे को खड़े जी ऐसे खामोश कहे को खड़े, दत के लिए पड़ गई तुम्हारी? हाँ नहीं तो क्या, या चोरी पकड़ गई बोल के सुंद पड़ गई तुम्हारे, बात नहीं आ रही तुम्हारे को अभी? अरे जरा मेरे को बोल ले तो दियो, मेरी बात तो सुनो जी। बहुत सुन लिए, बहुत सुना लिए। हाँ अब इसका फैसला होएगा और मेरे पापा और मेरे भाई आके करेंगे जो करना है। बुला गे बुला, किसको बुलाती तू? अब्बा के इतना उछल रही तो मैं इसके पीछे 10 साल से राब रही हूँ तो मैं कितना उड़ना। अच्छी तुम 16 साल में एक शादी कर ली थे कैसे? और तुम गरीबों के इमरान हाशमी दिख रहे मेरे को। रुको आन दो पापा को और भैया को आन दो, उन्हों पकड़ के तुम्हारा इमरान अलग और हाशमी अलग कर देंगे। हाँ छीते मेरे मर्द को, आन दो कौन आता देखती हूँ, छीर के रख देती हूँ। नहीं क्या तो भी बोल रही रजाक, रजाक अब नाम भी बदल दिए तुम। जरा पकड़ो ना, पकड़ना है ना पकड़ाना है, अब खाली फोड़ना है। जरा तुम पकड़ो बाजी। बाजी
शर्म नहीं आ रही तुम आगू बीवी को बाजी बोलने? जबान कैसा पलट रही तुम्हारी? ये औरत से खाली 2 साल छोटी हूँ मैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है? औरत? औरत किसको बोल रही जी? बताती हूँ तुम्हारे को तुम्हारा। अरे ठहरे जी, आपको ने भाई साहब? अरे हो गया क्लियर, हो गया साहब। अरे वही बोलना चाह रहा था ना, तुम हाथ छोड़ रहे थे ना, तुम हाथ छोड़ रहे थे जब से। अरे क्या है वही, नहीं होता मैं तुम्हारा ना, तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ मैं। माफी चाहती हूँ भाई साहब। आई बाजी? बाजी किसको बोल रहे जी आंटी, बाजी किसको बोल रहे तुम? जान दो माँ, मैं इनो उनो है समझी, पर्सनालिटी सेम है, कपड़े भी सेम इश पहने, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। जान दो माँ, दिल पे नक्को लियो, रमजान का महीना है। भैया माफी चाहती हूँ, जरा भाभी का ख्याल रखो, मेरा मरद काम फिर रहा कि बीड़ी फूक लेते। अरे तो हमारी जिंदगी में फूकने आ गई थी ना गम्मा तू। उठाओ जी, ऐसा उठाओ। रमजान के मुबारक महीने में अगर आप इतर खरीदना चाह रहे हैं तो आयुबेली फ्रेग्रेंस से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको रीजनेबल अमाउंट में एक से एक बेहतरीन अच्छी से अच्छी क्वालिटी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको जो है सो अगरबत्ती बखूर भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है बेहतरीन क्वालिटी में, और आप जो है सो ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर दे सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया शिपिंग भी अवेलेबल है। तो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, आयुबेली फ्रेग्रेंस याकूतपुरा बिसाइड जामा मस्जिद अबूबकर। थैंक यू। अच्छा वो मैटर वही सॉल्व हो गया, नहीं तो तुम्हारा नया कुर्ता पजामा 10 साल को देना पड़ता था। अरे तुम क्या जी, या मेरे तोते उड़ गए थे जाने इंदाने में, मेरे से दूसरी गलती कब हो गई बोल के। मतलब मैं पहली गलती बोलना चाह रहे तुम? अरे नहीं जी वो सब छोड़ो, सुने पूरा दिमाग खराब हो रहा, तुम जाओ जरा इफ्तारी निकालो, सुबह से तुम्हारी सारी शॉपिंग में ना दिमाग खराब हो गया, ना नमाज ना इबादत ना कुछ, खाली दिन भर भूख रहे जैसा हो गया, इफ्तारी तो भी निकालो जाओ। सबर जरा ठहरो, मेरे को मालूम था अपने को आने तक लेट होगा बोल के, पहले ही मैं इफ्तारी काट के रखी हूँ, तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। फास्ट फॉरवर्ड हो गए जी तुम। क्या है जी, क्या है ये खाली फ्रूट्स, वो भी इतने? अरे यारो कुछ तो भी तलन वलन रहना ना यारो, क्या बोलते हमारे दही बड़े पकौड़े जिलेबी, क्या बोलते वो आलू भुजी टमाटर भुजी वगैरह वगैरह एटसेट्रा। भुक्कड़ आदमी तुम, क्या रोजा खाने के वास्ते रख रहे या अल्लाह की रजा के वास्ते रख रहे? शुक्र मनाओ जी तुम्हारे पास खाने के लिए कल के फ्रूट्स तो भी है, कितने के लोग भूखे रहते उनको ये भी नसीब नहीं होता, और कई लोग नमक पानी से रोजा खोलते मालूम तुम्हारे को। तुम दुआ करो जी, दुआ करो, थोड़ा मेरे वास्ते भी दुआ करो। क्या हुआ जी हाथा नीचे के लिए? वो मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि आपके पूरे परेशानियां दूर हो जाना बोल के। करना था ना फिर? मैं मर गई तो कैसा? वो कहीं गुजी? आई आपकी सबसे बड़ी परेशानी तो मैं ही छू ना। इसका मतलब मैं जिंदगी में कभी सुकून में ना रहूंगा बोलो। वोच ग्लास में पानी दे। बहुत फुर्सत में दिख रहे थे, बहुत लंबी नमाज पढ़ा दी है ना, मैं डर गया कहाँ तरावी शुरू हो गई क्या बोल के। चलो निकालो, भूख लग रही है। क्या लेके आए? क्या लेके आए? मैं क्या मंगने गया था लाने के वास्ते? नमाज को गया था जी, खाना निकालो भूख लग रही, चलो। अरे तुम खाना लेके आते बोल के मैं इंतजार में बैठी थी। मैं बोला लाता हूँ। तुम्हारे को बोलना। अरे मेरे को क्या खाब पड़ता? तुम्हारे को नहीं मालूम मैं थकी हूँ सो? तुम्हारे को नहीं मालूम मैं कंजूस हूँ सो? तुम्हारे को नहीं मालूम मैं निचोड़ देती हूँ सो? अरे नहीं होता भाई, नहीं लाता मैं, नहीं होता मैं नहीं पकाती भाई। अरे क्या है भाई ये? अरे औरता मेरे को समझ में नहीं आता। अरे हम यहाँ दिन भर दुनिया की मेहनत करके नहीं थकते, तुम लोग खाली कपड़े देख के थक जाते। क्या आएगी भाई ये? ठीक है भाई तुम टेबल साफ करो,
मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा क्या ला रहे? क्या लेके आऊँ? पिस्ता हाउस से हलीम, शाह हाउस से पाए, पैराडाइज की बिरयानी, 4M होटल से शी कबाब, अलहमदिल्ला के शामिया, रुमान की रुमाली रोटी, और आते आते अपने खटारा को बाजू लगा के पेशावर जूस कन से ठंडा मौसम भी जूस लेके आ जाओ। अम्मा का कलेजा नको। देखो मेरे पास तुम्हारे से लड़ने के वास्ते अभी ताकत नहीं है, खाना लेके आओ, खा के लड़ेंगे। जितने तुम्हारे फरमाइश है ना, वक्त ला नहीं सकते, सहरी का टाइम हो जाता। इसके वास्ते बाजू के होटल से नहारी कुलचे लाता हूँ, खामोश ठुसको और सहरी का इंतजाम करो, समझे? तमाशा बना लिया आजकल के औरतें तो, बाहर के खानों का मजा लग गया तुम लोगों को, यहाँ से ये लो वैसे वो लो बोल के ऑर्डर दे रहे, मर्दों को वेटरा बना दिए। जो ला रहा हूँ वो खामोश खाओ, टेबल साफ करो, ला रहा 2 मिनट में, समझे? समझे, सहरी में दिखाती तुम्हारे को। अच्छा सुनो बेगम, वहाँ फ्रिज में जो है सो खीमा रखा हुआ है, सैनी में क्या करो तुम, खिचड़ी खट्टा और खीमा बनाओ, खट्टा का है, कच्ची प्याज कराना, देखो इमली का मज़ा आना एकदम खाते ही। क्या बोल रहा हूँ, वो ज़रा तला में पढ़ ले क्या तुम। सुने सुने, अजी उठो जी, अजी उठो। देखो मैं उसके बगैर खाना नहीं खा रहा हूँ। उसके बगैर कौन है वो चुड़ैल? फिर से तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा? अरे खिचड़ी खट्टा जी, खिचड़ी खट्टा। उठो जी। 5 मिनट 5 मिनट। अरे सायरन बजने में 10 मिनट है, उठो। 10 मिनट ही छे, इतना लेट कैसे उठा रहे जी? मैं भी थकी सो हूँ ना जी। अभी तक रोसे हुए है तुम, ये ताने मारने की आदत नहीं जाती भाई तुम्हारी। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। उठो उठो। चलो चलो आ रहा हूँ। ये क्या है? खट्टा। तो फिर खिचड़ी और खीमा कहाँ है? मेरे को क्या मालूम तुम कहाँ रखे की। अरे मैं लाया नहीं बेगम, आपको पका हो बोला। आप खट्टा बोले मैं वही सुनी। अरे अति जोर से बोला ना जी, ठहर के दरवाजे के पास। आप क्या तो भी घुसुर-पुसुर कर रहे थे, मैं खट्टा सुनी, आप खट्टा जोर से बोले, खट्टा सुनी खट्टा बना दी। अरे अरे क्या परेशानी यार यार से। ठीक है जरा चार पापड़ तो तलो, टाइम नहीं है जी, खाओ। भाई ये समझ में नहीं आता। खट्टा खट्टा ही रहता ना जी। अब देखो सुबह में तुम्हारा खट्टा कैसा निकलता। खट्टा बहुत ही खट्टा हो गया, इमली गिर गई शायद ज्यादा। नहीं अम्मा मैं अचार से खा लेती हूँ। अरे अचार से क्या खाते जी, खट्टा इतना खट्टा है, अचार डाल ले गए तो कुछ भी एक नया हो जाएगा ना, को खाओ हम। मेरा दिल बोल रहा है अचार खाने का। हाँ कुछ तो भी खुशखबरी है क्या? वो तो कल सुबह तुम्हारे को मालूम पड़ता। ये क्या हो गया बाप, सुबह से 4 बज पर चले गए। क्या हुआ जी, तुम्हारी हालत निढाल दिख रही है। आओ जी सुबह से 4 से 5 बार बैतुल खाला याद कर लिए। ऐसा कैसे खाए जी, इफ्तारी में तो फ्रूट्स ही खाए, सहरी में भी नॉर्मल ही खाए, कहीं इकट्ठे से हुआ समझेंगे तुम। मेरे को तो लग रहा वो चुड़ैल की नजर लगी तुम्हारे को, कल बहुत प्यारे दिख रहे थे ना तुम। आओ दुआ पढ़ती हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आम छू, इमली छू, काले बादाम छू,
बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तुम रुकने का पड़े या प्रेशर आने का पड़े, कुछ कुछ करके प्रेशर बढ़ा दिया ना तुम। भागो भागो भागो। खट्टा अच्छा ही काम कर रहा, मेरे हाथ में जादू है। बस बस हो गया भाई मेरे से, अब नहीं आता ना मैं जाता। सुबह सुबह रोजा लग गया तो जी। अजी सुनो, जरा वो पीली गोली दे ना देख के। भाई रोजा है जी, भूल गया। अरे मालूम जी, वो क्या है, जैसा वो लाल झंडे को देख के ट्रेन रुक जाती नहीं, वैसे इस पीली गोली को देख के नहीं भी रुक जाता हूँ दियो ना। अरे ऐसा हुआ तो अच्छा ही था, डॉक्टर पूरे तरकारियाँ बेच लेते फिरते थे। जरा फैन के नीचे बैठो, ठीक हो जाता। नहीं सुनती भैया औरत। नहीं कुछ करना पड़ता। डॉक्टर मुख्तारू, मुख्तार भाई सलाम जी। हाँ जी भाई, सुबह सुबह ढीले लग गए, हालत ढीली हो गए मुख्तार भाई। हाँ कुछ तो भी दियो ना भाई, फार्मूला रुके जैसा प्लीज। आओ जी। हाँ टांग पे टांग डाल के एक तरफ वजन डाल के बैठे तो कम हो जाता मुख्तार भाई। ओके ओके भाई, आता हूँ इफ्तार के बाद। हाँ तो अच्छे गोलियाँ देना देखो मुख्तार भाई। ओके भाई, अल्लाह। अम्मा टांग पे टांग डाल के बैठे एक तरफ वजन, अरे प्रेशर पड़ गया। अजी जी 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 ठहरो जी। अरे अरे मेरी बात सुनो, ठहरो जी। अरे अरे औरत बाहर आओ जी, प्रेशर पड़ गया। राव जी ये नहीं। बेगम अरे जल्दी आओ जी, मैं इससे ज्यादा रोक के नहीं रख सकता। बेगम आओ जी। क्या है जी, जब से तुम्हें जाके अंदर बैठ रहे ना, मेरे को नहीं जाने देते। मैं इंसान नहीं हूँ, तुम्हारे कोई जाना रहता क्या? हाँ कुदरत का निजाम है जी, हर किसी को जाना रहता। तुम ऐसा गंपा कुत्ता लेके बैठे तो कैसा? चार लोगों से घस लेना मगर बीवी से नहीं घस लेना भाई। चारों मिलके 40 मारे तो अपन एक एक को एक एक तो भी मार सकते हैं, मगर बीवी को नहीं मार सकते। वो क्या है, उनका अलग तरीके से लपट लेते भाई। तुम वो कहावत तो सुने चुनगे ना, सांप भी मरना लाठी भी नहीं टूटना। वो कहावत ना ऐसे चौड़ता के वास्ते बनी सो है। क्या बोले जी? नहीं मैं क्या क्या भी नहीं बोला बेगम, क्या भी नहीं। अरे तुम क्या अंदर बार कर रहे जी, अंदर ही बैठो। इफ्तारी का टाइम होता मैं बुलाती तुमको। नहीं बेगम हो गया, जो भी था जैसा भी था अंदर का पूरा निकल गया। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब आराम करो बैठ के। जरा फैन की स्पीड बढ़ा दो बेगम, क्या है रोजा लग रहा। जनाबे अली जी महतरमा, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप जो खिलेंगे वो। थप्पड़ खाते? नको रोजा हूँ मैं आज। ढक्कन कहाँ गया? अजी ढक्कन कहाँ है? मेरे को क्या बोल के जाते तुम्हारे वहां जहाँ भी जा रहे तो। मैं तुम्हारे बाबा की बात नहीं कर रही थी। ए, क्या? बाबा बहुत हिम्मत वाले हो गए बेटा, हम डर रहे ना तुम। हाँ मैं पहले से बहुत हिम्मत वाली हूँ, जो अपनी अम्मा के घर को छोड़ के तुम्हारे पास आ गई।
दिमाग भी वहीं छोड़ के आ गए क्या? घूर रहे मारते क्या? गुस्सा आ रहा अजी, तो मेरा गुस्सा आप देखे इसका, मेरे को गुस्सा आएगा ना ब्लास्ट होके आएगा। ओफो, जिस दिन भी आता उससे एक दिन पहले मेरे को बोल देना। देखो कोई कह को घर छोड़ के भाग जाते। वाह क्या पछाने बेगम तुम, वाह मालूम है को तुम कैसे भगोड़े है बोल के। आओ आए हम भागते मुसीबत से दूर भागते। मुसीबत समझ रहे जी? औरत अल्लाह की रहमत है, औरत खुदा का नायाब तोहफा है, औरत शोहर के वास्ते बीवी है, औरत भाई के वास्ते बहन है, औरत माँ बाप की बेटी है। औरत ये बात मेरे को मालूम है, कुछ नया बोलो। कुदरत मर्दों से ज्यादा औरतों पे मेहरबान है, कुदरत औरतों को हसीन बनाई। वो कैसा? खूबसूरती दी, हिरन जैसी आंखियां दी, रेशमी बाला दी, गुलाब जैसे नाजुक होंठा दी और प्यार भरा दिल दी और जबान दी और फिर सब सत्य नाश हो गया। यही जवाब सुनने के वास्ते तुम तरसते थे ना जी शादी से पहले? हाँ अम्मू, तुम्हारी आवाज कोयल से भी ज्यादा प्यारी है, शहद से भी ज्यादा मिठी है, तुम्हारी आवाज सुने तो मेरे दिल को सुकून मिलता, बैगन मिलता बोलते थे ना, तो ये सब झूठे बात थे। हाँ अब मालूम पड़ रहा आपको। वो क्या है बेगम, काम निकालने के बात थे वो, मगर एक चीज बोल रहा हूँ मैं आपको, हाँ शादी के बाद एक भी झूठ नहीं बोला मैं आपको। वो सब क्या है कि बा, तुम्हारा तो प्यार ही खत्म हो गया। अरे प्यार खत्म नहीं होता जी, क्या पागल बात कर रहे, प्यार कभी खत्म नहीं होता बेगम। नहीं तो अगर आप मेरे से प्यार करते तो मेरे को आईफोन दिलाओ ना। अरे उतना भी प्यार नहीं करता भाई मैं। वो कह को? अरे मैं प्यार में दिल दे सकता हूँ, गुर्दे नहीं। तुम शादी से पहले ही अच्छे थे जी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरी बाता सुनते थे, मेरी तारीफें करते थे, वही थे अच्छे दिना। अरे अच्छे दिना तो मोदी के आने के बाद से खत्म ही हो गया भाई। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, राशन का रेट बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया। हाय बो थोड़ी मेरे को आगे का सोचे तो। अब सुने तुम कौन है? जरा इधर आओ। हाँ जी, तुम्हारे कितने तो भी किस्से हैं जी, अब इन्हें कौन है? मेरे को क्या मालूम जी कौन है इन्हें, अब अंदर आके पूछे तो बोले तो मालूम होंगे ना। सुनो उसकी दोस्त, अब आइए इधर अंदर आइए, आप कौन है? आप कौन है बाजी आप? भैया आपको कामवाली की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कामवाली की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक कामवाली है मेरे पास। भैया देखो ना, कुछ भी काम है तो कर लेती हूँ, मैं बेवा और बेसहारा हूँ। अरे आपको हमारा घर इच मिला था? नहीं है जी बाजी, आप आगे जाओ, अभी बहुत जाने मेरे हाथों में, कामवाली की जरूरत नहीं, आप जाओ। माफ़ी चाहती हूँ भाजी, मजबूरी में घर से निकलना पड़ा। ठीक है, आप दोनों का जोड़ा हमेशा अल्लाह सलामत रखे। क्या औरत है जी, घर तक का कोई भी ऐसा है तो बेइज्जती नहीं करना जी, अच्छी चीज़ नहीं है, क्या मजबूरी थी कि उसकी। अच्छा अच्छा बाजी, बाजी रुको, आइए 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 आइए। क्या हुआ बाजी, आपका क्या मसला है? परेशान हूँ बाजी, शोहर का इंतकाल हो गया, ससुराल वाले घर से निकाल दिए, भैया खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान है, क्यों किसी पे बोझ बनना बोलकर काम की तलाश में आई, भीख मांगने से अच्छा मेहनत करके खाना है, इसलिए आपके पास काम के लिए आई। अच्छा अच्छा अच्छा, रोज़ा है मैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, तो देखो माँ क्या है, सीधी सीधी बात है, हमारे पास क्या है, काम वाली की जरूरत तो है नहीं, वैसे उतना काम रहता भी नहीं हमारे पास। अगर आपको कोई हुनर आता तो बोलो, मैं आपको उसमें जैसा मेरे से हो सकता वैसी मदद करता हूँ आपको। मेरे को ट्रेलरिंग का पूरा काम आता भैया। ओके, तो आपके पास मशीन और मटेरियल है? नहीं है, उसके वास्ते पैसे जमा कर रही हूँ, इसके वास्ते घरों में काम ढूंढ रही हूँ थी। अच्छा, तो अगर मैं आपको मशीन और मटेरियल दिला दिया तो आप काम शुरू कर लेते?
आई आप एक को तकलीफ करते भैया, आप मेरे को बस काम दे दो, मैं पैसे जमा कर लेती हूँ। नहीं माँ वैसी बात नहीं है, क्या है आप हमारे मोमिन बहन है, आपके हर अच्छी बुरी चीज़ का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। सुने आप ऐसी कोई शर्मिंदगी महसूस न को करो। आप एक भाई अपनी बहन को तोहफा दे रहा समझो, ठीक है? एक सेकंड रुको, आप मेरे दोस्त की दुकान है चौरस्ते पे, मैं उसको बोलता हूँ। भाई सलाम अलैकुम शादाब भाई। हाँ हाँ अच्छा सुनो भाई, देखो क्या करो, एक टेलरिंग मशीन अच्छी लेटेस्ट और उसका जो जो मटेरियल रखता पूरा एक एक सेट पैक कर दो आप, ठीक है? अरे नहीं यार, वो हमारे एक बहन को होना है। अरे कई को यार, तुम्हारा कुत्ते पंचायत खिस्से तुम पैक करके रखो यार, रखो। क्या है आप चौरस्ते पे जाके ना किसको भी पूछो शादाब भाई की दुकान कहाँ है बोल के, उन्होंने आपको बता देते। वहाँ पे जाके बोलो रजाक भाई भेजिए बोल के, उन्होंने आपको सामान दे देते, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। अरे बाजी ठहरिए ठहरिए, ये फ्रूट्स आपके लिए, आराम से रोज़ा खोलाओ और ये लीजिए। अरे शर्मिंदा कर रहे बाजी आप। देखिए आपकी मदद इन्हों जितना करना था कर लिए, ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं मैं पैसे मंगने आपके पास नहीं आई थी बाजी। ले लो ये लीजिए, ये पैसों से आपके बच्चों के वास्ते ईद पे कपड़े ले लो। ये आपके आपके वास्ते नई साड़ी है, मैं इसको एक बार भी नहीं पहनी, आपके किस्मत में थी शायद। नहीं नको बाजी, आपके पास अगर कोई पुराने कपड़े हैं तो वो दे दीजिए, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अरे नहीं आप, अच्छा अच्छा वो ताबदान में पुराने कपड़े रखे, देखो उसको कवर में डाल के लेके आ जाओ। ठीक। देखिए बाजी आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत रही आप बेफिक्र आ सकते, मेरे को बहन समझ के आप कोई भी मदद मांगे तो मैं कर देती हूँ, गैर नको समझो आप, समझे? ये ऐसा बोल रहे थे ना? हाँ देर। चलो बाजी। शुक्रिया बाजी, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे, नेक औलाद दे, आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, बुरी नज़र से बचाए। आजकल के ज़माने में भाई भाई की मदद नहीं कर रहा, आप लोग तो गैर होके मेरी इतनी मदद करे, मतलब दुनिया में इंसानियत जिंदा है। अरे आप ऐसा काहे को बोल रहे बाजी, आप बुरा फील नको करो, आपके वास्ते हम लोग हैं, आप गैर नको समझो खुद को, समझे? आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत रही आप बेफिक्र हमारे पास आ सकते। बराबर बराबर, आज से आप अकेले नहीं हैं, आप हमारे फैमिली का हिस्सा, ठीक है? आपको किस भी प्रॉब्लम रही, कुछ भी ज़रूरत रही तो आप आधी रात को भी जो है हमारे घर का खटखटा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। क्या जमाना आ गया बेगम, हाँ लोगों के परेशानियां सुने तो आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, क्या हुआ? असल ये ज़कात और फितरा टाइम पे नहीं निकालने की वजह से हो रहा। वो कैसा? कैसा बोले तो देखो, ज़कात और फितरा अल्लाह ताला कहीं को रखे, ज़कात और फितरा निकाल के आप जो है सो आपके ख़ानदान के गरीब रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दोस्त अहबाब में, मुस्तहिक लोगों में आपको बांटना है, जिससे क्या है उनके जाती और पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व होना बोल के। मगर अपने लोग तो वैसा नहीं कर रहे, और ज़कात देना बहुत अच्छी बात है, उससे अपनी जान और माल की हिफाजत होती, समझे? सही बोले आप। वैसे आप शक्ल से जितने कमीने दिखते हैं ना उतने ही नेक इंसान हैं। देखो बेगम, आज मैं जो है सो ना सूफी मूड में हूँ, मैं कुछ जल्लाद वाले मूड में नक्को लाओ आप। मेरे को शौक नहीं तुमसे घस लेने का, समझे? वैसे भी मेरे को ईद की शॉपिंग का देखना है, मेरे कपड़े कैसे हैं, अम्मी को भी कॉल करके दिखाना है, मैं जा रही हूँ। वाह जाओ 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 भाई जाओ, और देख लो जरा अच्छा, मैं तो बाद में बोलेंगे आई मेरे को टाइट हो रहा है, मेरे को लूज हो रहा है, बोल तो वापिस वापिस नहीं होते, क्या है बहुत परेशान कर देते तुम। सुने अजी अम्मी अजी, क्या हुआ तुम्हारे मीकू? अरे अभी तक तो अच्छे थे ना अनु। अरे तुम टेंशन न लो, जो भी होता अच्छे के वास्ते होता, और तुम्हारे अम्मा को रमजान का मुबारक महीना मिला जी, सीधा जन्नत में जाते अनु। मैं तुम्हारे अम्मा को जन्नत मिलती बोल के तो नहीं सोचा था भाई। जी पागल आदमी, काली जुबान नको निकालो तुम। हमारी अम्मी को क्या भी नहीं हुआ, उन्होंने ठीक है। अजी मेरे मेरे ईद के कपड़े नहीं दिख रहे,
तुम कहीं वो पुराने कपड़ों के साथ मिला के वो औरत को तो नहीं दे दिए ना? अरे वो पीली और लाल कवर के बीच में थे क्या? हाँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छे जबरदस्त बेहतरीन कुर्ता ऐसा कुर्ते होना है तो फैशन एंड फ्रीडम से ले सकते हैं नियर बिसाइड अमीन कॉलोनी नियर फलक नुमा ब्रिज चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद तेलंगाना इंडिया एशिया। थैंक यू। यही चौंधे चित्ते काम आ रहे थे तुम्हारे। हा? एक करो बोले तो एक करते, देख क्या बोले तो फूक के आते। दे दी ना मेरे कपड़े उठा के। हा? उन्हें क्या हमारे अम्मा के सगी बाबा के सगी उठा के देने के वास्ते? अरे क्या मैं हुना बोल के दिया उसको? अरे ऐसा है तो नहीं बोलना भाई हमारे को कामा। हमारे को बोले तो हम हमारे हिसाब से परफेक्ट काम करते। अजी जाओ जी लेके आओ जी कपड़े। अरे पागल होगा नहीं ला सकते? दीदी दीदी बात खत्म कर दिए नुकसान। 1600 को 1000 करने वाले इंसान है तुम। ए कम तालीम भयानक जिंदगी, चुप बैठो। वैसा है तो पुराने कपड़ों में नए कपड़े कहीं को रखे भाई? अलग अलग रखना नहीं मालूम। मैं अलग तापदान में निकाल के रखी थी, तुम कौन से तापदान से निकाले बताओ? अलमारी के बाजू वाले से। कौन सी अलमारी? बड़ी अलमारी के बाजू वाला। कौन सी बड़ी अलमारी? छोटी अलमारी के बाजू वाली। कौन सी छोटी अलमारी? अरे तो जो बड़े कमरे में है। कौन सा बड़ा कमरा? जो छोटे कमरे के बाजू है। कौन सा छोटा कमरा? अरे जो हॉल के बाजू है। अरे कौन सा हॉल? अरे घर में एक ही तो हॉल है ना जी। सीधा सीधा बोलो ना जी, बीच वाला कमरा। तो समझ में नहीं आता। अरे औरता क्या है, जिलबी की जैसे सीधे रहते भाई। उन लोगों को सीधा सीधा बोले तो समझ में नहीं आता। अगर उन लोगों को फिरा के बोले समझो, सीधा अलमारी में है बोले तो उन लोगों को समझ में नहीं आता। क्या है उन लोग जिलबी की जैसे सीधे है ना, वैसे ही बोलना पड़ता। कावा मिला बेगम? मिले जी। इधर ही छह ना जी, दीवाने आदमी। डर गई थी मैं। अरे तुम्हारे से ज्यादा मैं डर गया था भाई। कहाँ 20-25 हजार फिर से खर्चा करना पड़ेगा बोल के। जान दो जी, मैं अब तुम्हारा खर्चा नहीं करती हूँ। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, ईद मनाने हम अम्मा के घर को जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जाएंगे। कल अम्मा से बात भी तो उन्होंने यही बोल रहे थे, आओ बेटा ईद को घर को बोल के। अच्छी बात है। तुम्हारी बात हुई अम्मा से? हाँ। मेरी अभी बात हुई अम्मा से, पर उन्होंने आओ बोल के ऐसा कुछ नहीं बोले। अरे तुम क्या भाई बच्चों के जैसा फील हो जा रहे? तुम्हारे को बोलना मेरे को बोलना एक ही बात है भाई। तो क्या है पहले पैकिंग करो, रोजा खोल के अपन फटाफट चल लेंगे। हाँ मैं अभी अम्मी को कॉल करके बोलती हूँ, हम लोग आज ही चाह रहे बोल के। करो। अजी मेरा फोन वो दूसरे कमरे में है, तुम अपने फोन से मेरी अम्मी को कॉल करो ना। तुम्हारे अम्मी? तुम्हारे अम्मी की बात कर रहे थे? हाँ मेरे अम्मी को। अजी मैं तुम्हारे अम्मी की बात कहीं को करूँ जी? तुम्हारे अम्मी को बहू से क्या लेना देना? बेटे से बात हो गए, कॉल करके बात कर लिए, बहू से क्या, कुछ भी नहीं। अरे तुम फिर से शुरू न करो तो भाई, पहले से रोजा रख रहा मेरे को। ईद को हमारे अम्मी के घर को जा रहे हैं? नहीं हमारे अम्मी के घर को जाएंगे। देखो उसूलन देखे तो बहू ससुराल में ईद करना और ईद मिलने मई के कुछ जाना। इन सब उसूलों की ना बत्ती बना के चूल्हे में जला देती हूँ। ईद पे हमारी अम्मी के घर को जा रहे, बात खत्म। ना यहाँ जा रहे हैं ना वहां जा रहे हैं, बस बात इस खत्म। खत्म तो खत्म। ना तुम्हारे अम्मी के घर को जाके ईद मनाती हूँ, ना मेरे अम्मी के घर को जाके ईद मनाती हूँ। ईद क्या जहन्नुम में मनाते? मैं ईद मनाती इच नहीं। अरे अरे नाराज नको हो जाओ भाई, तुम मेरी बात सुनो। ईद के दिन शुक्र माफी के नमाज पढ़ के पहले हमारे अम्मी घर को जाएंगे, फिर तुम्हारे अम्मी घर। पहले हमारे अम्मी के घर को जाएंगे? ठीक है भाई, पहले तुम्हारे अम्मा घर को जाएंगे बस। देखिए कैसा झुकाई मैं। झुकना पड़ता भाई, होम मिनिस्टर है। हाँ अब ज्यादा फ्री ना को हो जाओ, शीर खुरमा बनाना, उसके लिए सौदा लेके आओ। ठीक है बोल क्या क्या लाना बोल। हाँ बोलो। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम चिरौंजी और 100 ग्राम तरबूज खरबूजे के बीजा। अरे नको भाई तरबूज खरबूज के बीजा नको है, अच्छा नहीं दिखता मेरे। अजी लाओ जी मजा आता। ठीक है और? और 1 किलो काले खजूर। अरे काले खजूर ना कहीं को भाई, रमजान हो गया ना अब। अजी शीर खुरमा मैं पकाने वाली हूँ, तुम पकाने वाले? जो बोल रही लाओ। ठीक है भाई और क्या? और क्या? और अरे अजी वो जी वो क्या? अरे मुंह में आ रहा उसका वो नाम, जुबान पे नहीं आ रहा। चिलगुजा। चिलगुजा तुम्हारा भाई कहीं को आया था? रे क्या मांगने आया उन्हें? अजी तुम होंगे चिलगुजे। मेरे भाई को क्या भी नको बोलो, चुपचाप सौदा लिखो तुम। हाँ बोल।
और 2 किलो सेवियां, एक मिल्कमेड का डब्बा, दूध दही गोश्त चांद रात के दिन याद रख लो लाने का है, और हाँ वो बोलना भूल के देखो 2 किलो खवा। 2 किलो खवा वो कहू कहता ना अम्मा के घर को भिजाने। हाँ हमारे अम्मा को गत नहीं है तुम्हारे कन से मंगने को वास्ते। तुम्हारे दोस्त एक एक कटोरा शिरखुरमा घटक जाते, उन लोग के वास्ते 2 किलो मंगा रही हूँ। ऐसा बोलो ना बेगम। चलो ठीक है मैं क्या करता हूँ ये ले लेके आता हूँ, तुम जरा घर का साफ ऑफ करके देख लो। राइट। हाँ अजी 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 सुनो जी। चलो चलो भाई जल्दी जाके। अजी अजी सुनो सुनो सुनो। अरे अब क्या सुनना सुनाना है जी। टेलर कन से ना मेरा ब्लाउज लेके आता है। अरे नहीं होता भाई जाओ जबरदस्त काम मेरे से नहीं होते भाई, मेरे को तुम्हारा एक का गलगल बस नहीं होता। हां वहां दुकान में औरतों का मंदा रहता है, उन लोगों का गलगल कैसा बर्दाश्त करना भाई। अजी सुनो जी तुम खाली चिट दे के दूर खड़े रहो, उन लोगों का दे देते सामान। होता ही नहीं भाई, इसके वास्ते बोलता हूं चादर का मना लगाना एक साथ। अच्छा अच्छा सुनो ये शिरखुरमे का सौदा तुम कल भी ला सकते हैं, मगर मेरे को मेरा ब्लाउज आज ही छोना, कुछ तो भी ऑल्ट्रेशन वगैरह है तो अभी करा ले सकते, नहीं तो मेरी ईद बर्बाद हो जाती। अरे ऐसा कैसा बर्बाद हो जाती बेगम, तुम मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी मगर मैं तुम्हारी ईद बर्बाद होने नहीं देता हूँ। क्या बोले? फ्लो में निकल गया बेगम मुझसे। तुम भी फ्लो में निकलो यहाँ से समझे, नहीं तो मेरे हाथ से गिरदा पहले निकलते। जा रहा हूँ। ऑलराइट व्हाई सो एंग्री गोइंग फास्ट। रोज रमजान में फाली पड़ता है यार। हाँ हेलो बेगम एड्रेस क्या बोले जी? अजी वो चमकी वाले खाला है देखो, उन्हों जो काचप का काम करते देखो। हाँ बस 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 समझ गया मैं, वही बुड्ढे ना चबूतरे पे बैठ के आ रहे थे जा रहे थे लोगों को गालियां देते थे दात्री बुड्ढी पाना खाते हुए। हाँ उसके घर के नीचे हूँ। अरे दिख गया जी मैं गुटेला। हाँ वही। हाँ एक काम करो तुम जो है बस रेडी रहो, तुम फोन रख के था पलटे देखा मैं ब्लाउज लेके आ रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है ना? अच्छी बात है। ओके आवार हो कितना क्या तू भी समझ के बाहर है नहीं। आ दिख रही है एक दुकान दिख गई मेरे को इधर। आ गया मैं। हाँ बेगम पहुंच गया मैं पहुंच गया। हाँ अरे कावा शटर बंद है कहा भाई ताम का इंतजाम है घाटे लड़ता आपने शटर बंद है। 10 दिन हो गया भाई बंद करके भाग गया उन्हें। दुकान बंद करके कपड़े लेके पूरा रेड हो गया यहाँ से। भाई मेरा तो कुछ भी नहीं था भाई, खाली सीमन मारने घर में बोल के ले लेके आया सब हो गया भाई, ने तो घर में मेकू मारते बोल रहे खाली मेकू मिलना है उन्हें खंभे पे लटका जरा उसको। भाई मैं इनके बातों में आके दिया कपड़े मार जा। अरे बेगम टेलर कपड़े लेके भाग गया कहते क्या मेरा ब्लाउज कैसे चले गया कहते उन्हें। अरे क्या उन्हें हमारे मामू का बच्चा है यार, मेरे को बोल के जाता आ रहा हूँ याद आ रहा हूँ वहाँ आ रहा हूँ बोल के। अरे कहाँ जाके मुँह काला करा की जी ने। अजी जरा मालूम करो जी कहाँ गया उन्हें दलिंदन मुर्दा। देखो तुम्हारे 20-30 हजार और खर्चा होगा बोल रही हूँ मैं। अरे अगर तुम मेरे को उल्टा लटका के मेरे जेबा छटके भी ना तो 1 रुपया नहीं निकला उतना खाली हो गया मैं, अब बैगन भी खर्चा नहीं कर सकता मैं। अरे तुम भी दादा के चमन को दिए क्या जिन्हें भी 10 दिन पहले कपड़े ले गए भाग गया कहते। अजी पागल आदमी मैं 5 दिन पहले कपड़े दिए तो उन्होंने 10 दिन पहले कैसे भागता। हाँ क्या 5 दिन पहले दिए तुम? एक मिनट चिट्ठी में देखो डेट है ना 5 दिन पहले। अरे हाओ क्या भाई ये टेलर का नाम क्या है जी? भैया टेलर है दिखा दो काट डालता हूँ उसको। अरे फैयाज है कहते जी उसका नाम। तुम वहाँ काय को गए? रियाज टेलर कहीं जाना था नहीं क्या? रियाज टेलर भाई रियाज टेलर की दुकान कहीं आ रहा आ रहा बेगम तुम रेडी रहो 2 मिनट में ब्लाउज ले लेगा ना। इन्हें भी खुल रहा है बंदे देखो जरा एक बार। रहता रहता भाई रहता। हेलो जी तुम्हारा सड़ा ब्लाउज आ गया थोड़ी देर के वास्ते भला बन गया था मगर पट्टा डीमार्ट की थैली में गया। अरे मैं दी थी जी। परफेक्ट दिख रहा। चलो अच्छी बात है ना भाई, ना तो चूप दम हो जाता फिर वापस करो सिलाओ वाले तो। अच्छा सुनो 20-25 हजार दियो। तुम्हारे अम्मा छोड़ के गए थे तुम्हारे बाबा। क्या बोल रहे जी तुम? अरे बेगम 20-25 हजार रुपए लेके क्या करते? ईदी देने के वास्ते। हाँ क्या पूरे हैदराबाद के भिखारी तुम्हारे खानदान में छे?
अब क्या करेंगे, हमारे ससुराल में बहुत भिखारियां हैं। ए बंद करो जी, 20-25 हजार दियो। अरे वो सब नहीं मालूम भाई, मैं 10 हजार रुपए देता हूँ, एडजस्ट कर लो आप। वो तो हमारे खानदान को ही बस हो जाते, फिर तुम्हारे खानदान का क्या? हाँ फिर हमारा खानदान भी बहुत बड़ा है, 100 फुर्सत में रहते। ठीक है भाई, इधर इधर तुम ना तुम्हारा ना मेरा, 15 हजार लो, गिची खत्म करो। चलो ठीक है, 15 में तुम्हारे को दिया तो 5 हजार में तो 10 कहाँ से कवर करूँ। जी क्या गिन रहे जी? नहीं मैं ये ऐसा हिसाब डाल रहा था कि अगर तुम्हारे बाबा मेरे को सलामी दिए तो ये 15 हजार में से कितने वापस आते बोल के। वो क्या 100 रुपये वापस आते हैं? देखो चुप हूँ नक्को जलो जी मेरा, सुने जो भी तुम्हारे पोचम पाची है कर लो, जल्दी छत पे जाके चांद देखेंगे। आपका चांद तो आपके सामने है। तुम अमावस का चांद है, मैं ईद की चांद की बात कर रहा हूँ। चलो छोड़ो वो सब, चलो जल्दी। जबरदस्त बेहतरीन शुक्रमा है, वाह। शुक्रिया शुक्रिया। जरा आंख बंद करो, आंख बंद करो जी। अब खोलो। ईद का गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू, शुक्रिया। खोला नहीं, खोला नहीं, मेरा गिफ्ट किधर? ये देखते तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जियो जी, ला ला। खोल। सोनी की चेन, नेकलेस है। ओ थैंक यू। मैं खोलूं? हाँ 25 हजार की बिल। वो मैं हमारे भाई को गिफ्ट करने के लिए ना एक फोन ली। अरे Assalamualaikum, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। आप सब लोगों का हमारी टीम गोल्डन हैदराबादी की तरफ से ईद मुबारक। तो गाइस अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करके वायरल करो। तो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। ये सीरीज यहाँ पे खत्म करो, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बेहतरीन जबरदस्त न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू जोक्स के साथ, न्यू सिचुएशन के साथ आप लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे। एंड वायरल कीजिए कंटेंट को और हमें बताइए, हमें फॉलो कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा हमारा कंटेंट। और मैं शीर कुरमा एंजॉय कर रही हूँ। हैप्पी ईद, ईद मुबारक। आप लोग अभी ईदी दियो जरा घर वालों को, लियो भी समझे तो चुप ऐसे बिला आ जाते। शीर कुरमा वैसे अच्छा बना। ईद मुबारक।